यो, क्या हाल है। मेरा नाम है सास भट्ट और हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे सारे के सारे कैप्टन्स जाते हैं विजर्ड किंग के साथ और विजर्ड किंग उनको बोलता है कि उसे पता चल गया है कि इन सब कैप्टन्स में से ट्रेटर कौन है। तो अब इस एपिसोड में ये बताने वाला है कि असली ट्रेटर कौन है, तो चलो देखते हैं। विजर्ड किंग एपिसोड के शुरुआत में ही इन दोनों लोगों से पूछता है कि बताओ कि इन कैप्टन्स में से असली ट्रेटर कौन है। तो ये लोग बोलते हैं कि जो ट्रेटर है वो है हमारा पर्पल बॉय, और ये सुन के सब लोग घूमते हैं पर्पल बॉय की तरफ और पर्पल बॉय घबरा जाता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो ट्रेटर नहीं हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं यार, वैसे तो हमें तुम पे डाउट बहुत टाइम से था कि तुम्हारे पास अचानक से इतना सारा मैजिक पावर आ गया और उसके साथ साथ इतने सारे पैसे भी आ गए और तुम बहुत सारे शेडी काम भी करते हो, तो तुम पर्पल बॉय, हम लोग को तुम पे पहले से ही डाउट था, तो अभी तुम अपने आप सरेंडर कर दो। ऐसा बोल के सारे कैप्टन अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं पर्पल बॉय के ऊपर। लेकिन तभी पर्पल बॉय बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम थोड़ा टाइम दो, मुझे अपने आप को समझाना है। ऐसा बोल के पर्पल बॉय अपना मैजिक यूज करता है, खुद को इनविजिबल कर देता है और उसके साथ ही साथ वो बहुत सारे इनविजिबल सोल्जर्स को वहां पे लेके आता है जो कि बाकी कैप्टन के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे एक से एक कैप्टन मिलके इन सारे के सारे इनविजिबल सोल्जर्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं और इसी मौके का फायदा उठा के पर्पल बॉय यहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी ही यामी बोलता है कि हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास रास्ता है पर्पल बॉय को पकड़ने का। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था भाग के जाता है पर्पल बॉय के पीछे। तो पर्पल बॉय बोलता है कि ये लोग तो मुझे नहीं पकड़ सकते हैं, और तभी पर्पल बॉय बोलता है कि मैंने इतने सारे गलत काम कर करके एक मर्चेंट बना, मैंने मेरे इन सब गलत कामों के मदद से ही मैं इन मैजिक नाइट्स का कैप्टन बना हूं, तो मैं इस चीज को इतने आसानी से नहीं जाने देने वाला हूं, मैं तो इनका सुप्रीम लीडर बन के रहूंगा। ऐसा बोल के पर्पल बॉय भागता रहता है। लेकिन तभी यामी उसके पीछे आता है और पर्पल बॉय के ऊपर हमला करता है। तो पर्पल बॉय बोलता है कि तुमने मुझे ऐसे कैसे पकड़ लिया और मैं तो इनविजिबल था, तो तुम्हें मैं दिखा कैसे। तो फिर आस्था बोलता है कि मुझे तुम इस वजह से दिखे क्योंकि मैंने यूज किया है मेरा की डिटेक्शन करने वाला पावर और इसीलिए मैं तुम्हें पहचान पाया। तो तभी पर्पल बॉय और बहुत सारे इनविजिबल नाइट्स को लेकर आता है आस्था के ऊपर हमला करने के लिए, और ये इनविजिबल नाइट आस्था के ऊपर थोड़ा बहुत हमला करते हैं। फिर आस्था रेडी होता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी ही पर्पल बॉय बोलता है कि ओए बेटा, अब तो तू खत्म हो जाएगा, तूने बहुत बड़ी गलती की, तू तो एक कैप्टन से लड़ रहा है। ऐसा बोल के पर्पल बॉय आस्था के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी ही ये वाइट बाल वाला बंदा यहाँ पे आता है और वो अपना कलरफुल मैजिक यूज करके पर्पल बॉय को पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि तुम लकी हो कि मैं तुम्हारे ऊपर इतना इजी जा रहा हूं, क्योंकि ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ते। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे कैप्टन अपने पावर को यूज करके एकदम गुस्से में रहते हैं और बोलते हैं कि पर्पल बॉय, तूने बहुत गलत काम किया है, तूने हम मैजिक नाइट के कैप्टन का नाम खराब किया है, तो हम तो तुझे नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये सब देख के आस्था बोलता है कि वाओ, ये सारे के सारे मैजिक नाइट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए ये लोग हमारे कैप्टन्स है। फिर उसके बाद ये वाइट बाल वाला बंदा आस्था के पास जाता है और उससे बोलता है कि ओए आस्था, तू तो बहुत कूल था यार, तूने तेरा एंटी मैजिक यूज करके इस बंदे को कैसे डिटेक्ट किया। तो आस्था बोलता है कि मैंने तो की को यूज किया था। फिर उसके बाद ये लोग बात करते हैं और ये बंदा आस्था को बोलता है कि ओए आस्था, तू 15 साल का है और मैं 19 साल का हूं, मैं एक तरह से कैप्टन भी हूं, तो क्या तू मेरा दोस्त बनेगा। तो ये सुन के आस्था बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। फिर उसके बाद विजर्ड किंग पर्पल बॉय को पकड़ता है और उससे इंट्रोगेशन करता है। तो उसके इंट्रोगेशन मालूम पड़ता है कि पर्पल बॉय ने बहुत गलत गलत काम किए होते हैं, उसने अपने स्क्वाड के लोगों को बहुत बुरी तरह से अब्यूज किया होता है और उसके साथ साथ उसने नेशन के बहुत सारे ट्रेजर क्लास मैजिक आइटम्स को भी बेचा रहता है दूसरे जगहों पे और बहुत सारे फ्रॉड्स किए होते हैं उसने। तो इसी तरह पर्पल बॉय के सारे स्कीम्स बाहर आ जाते हैं। फिर हमें ये भी मालूम पड़ता है कि जब सिटी के ऊपर अटैक हुआ था तो उसमें भी पर्पल बॉय का ही हाथ था। पर्पल बॉय ने जाके जो लोग बैरियर को संभालते हैं उसमें से कुछ लोगों को किडनैप करवा दिया था और उनको खत्म करवा दिया था, इस वजह से बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया था और इसी वजह से ये लोग अंदर घुस पाए थे। फिर इसके बाद किंग सबको बोलते हैं कि अब तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जाओ अपने अपने स्क्वाड की तरफ और अपने स्क्वाड को चेक करो कि उसमें भी ऐसे कोई और ट्रेटर्स है कि नहीं, और हम इस बात को पब्लिक नहीं कर सकते हैं कि पर्पल बॉय एक ट्रेटर है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये बंदा जो थर्ड आई का बंदा होता है, जिसके ब्लैक एंड व्हाइट बाल होते हैं, ये असल में एक कैप्टन में कन्वर्ट हो गया होता है और ये हमारे स्क्वाड में आके इन सब लोगों की बातें सुन रहा होता है और ये बोलता है कि अब तुम लोग डिसाइड करो कि मैं कौन सा कैप्टन था। तो अब मुझे ये नहीं पता कि ये बंदा कौन से कैप्टन का रूप लेके बैठा हुआ था, क्योंकि इसने यूज किया था ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे कैप्टन वहां से निकल लेते हैं, लेकिन विजर्ड किंग ने सिर्फ यामी और आस्था को रुका के रखा होता है। विजर्ड किंग उनको बोलता है कि वेल, जब मैं तुम्हारा कैप्टन था तो मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और मुझे ये बहुत बुरा लगा कि मैं जिन लोग के साथ मैंने इतने टाइम से लड़ाई की है और इतने सारे फाइट्स में गया हूं, उसमें से एक बंदा असल में ट्रेटर निकला, इस बात का मुझे बहुत दुख है। और मैंने इससे और इंट्रोगेशन किया और उससे मुझे ये मालूम पड़ा है कि ये लोग असल में जो वो मैजिक स्टोन्स को यूज कर रहे हैं उससे ये लोग कोई तो विश पूरी करने वाले हैं, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन इसीलिए वो लोग बहुत सारे मैजिक स्टोन्स ढूंढ रहे हैं और इसी वजह से वो लोगों ने फ्लेगोन के ऊपर, जो कि हमारा एक्चुअल लायन बॉय था, उसके ऊपर हमला किया था क्योंकि वो लोग को उसका स्टोन चाहिए था। तो इससे मुझे ये भी लग रहा है, ये मैं मेरा खुद का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, कि एक स्टोन तो शायद यूनो के पास भी है, क्योंकि हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखा था यूनो के पास भी एक पेंडेंट होता है जिसमें एक मैजिक स्टोन होता है। तो मेरे को लगता है कि ये लोग नेक्स्ट यूनो के ऊपर हमला करने वाले हैं शायद से। लेकिन तभी ही विजर्ड किंग बोलता है कि अभी ऐसा एक और मैजिक स्टोन है अंडरग्राउंड वाटर टेम्पल में, तो यामी और आस्था, मैं चाहता हूं कि तुम लोग यहां पे जाओ और इस जगह पे जाके वो स्टोन को तुम लोग कलेक्ट करके लेके आओ, क्योंकि वो जो टेम्पल है वो पानी के अंदर है और वहां पे बहुत सारे मैजिकल एरिया की कॉन्सेंट्रेशन है, तो वहां पे नॉर्मली मैं किसी को भेज नहीं सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पास एक एंटी मैजिक वाला बंदा है तो
तो वो उस जगह के कॉन्सेंट्रेशन को कम करके अंदर घुसा सकता है तुम लोग को और वहां जाके वो मैजिक स्टोन को रिट्रीव कर सकता है। तो यामी बोलता है कि अगर आप मुझे ये ऑर्डर दे रहे हो तो मैं डेफिनेटली ये काम करने वाला हूँ, इसका टेंशन मत लो। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यामी का बैक स्टोरी कि जब यामी यहाँ पे नया रहता है तो वो एक टाइप का फॉरनर होता है क्योंकि वो दूसरे देश से आया होता है। तभी यामी को सब लोग हेट करते रहते हैं, बोलते हैं ये बंदा तो फॉरनर है तो इससे हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर भी यामी को एक ग्रिम रोर मिल जाता है जिसकी वजह से सब लोग बोलते हैं यार ये बंदे को ग्रिम रोर कैसे मिला, ये तो एक फॉरनर है। और ऐसे ही यामी अपना ग्रिम रोर लेकर नॉर्मली चलता रहता है और उसको डार्क मैजिक मिल गया होता है। तो तभी विजर्ड किंग उसके पास आता है जो कि उस वक्त सिर्फ एक स्क्वाड का कैप्टन होता है। विजर्ड किंग इसको बोलता है कि ओए क्या तू मुझे तेरा मैजिक दिखाएगा, तो यामी उसको पहले ना बोल देता है। तो विजर्ड किंग उसको बोलता है कि अगर तू मुझे तेरा मैजिक दिखाएगा तो मैं तुझे फ्री में खाना दूंगा। तो ये सुनकर यामी उसको हाँ बोलता है और उसको अपना मैजिक दिखाता है। फिर इसके बाद यामी विजर्ड किंग को सैल्यूट करता है और वहां से निकल लेता है। और यहाँ पे आस्था भी विजर्ड किंग को सैल्यूट करता है और वो बहुत जोर से करता है। तो ये इसके वजह से आस्था को लग जाता है और वो जमीन पे लोटपोट करता रहता है। उसके बाद आस्था यामी को बोलता है कि अगर हम यहाँ जाने वाले हैं तो मैं बहुत मेहनत करूंगा और कैसे भी करके हमारे इस मिशन को सक्सेसफुल बनाऊंगा। तो यामी बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें करना ही है ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट में हमें दिखाते हैं कि ब्लैक बुल्स सबके सब बहुत खुश रहते हैं क्योंकि वो लोग बीच पे जाने वाले होते हैं। वो लोग डांस कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि हम मजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और तभी ही नोवेल एकदम टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे स्विम सूट पहनना होता है। तो वो बोलती है कि मैं आस्था के सामने स्विम सूट कैसे पहन सकती हूँ। लेकिन तभी ही यामी यहाँ पे आता है और वो सबको गुस्से में बोलता है कि ओए भाई हम यहाँ वेकेशन पे नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे जा रहे हैं एक ऑफिशियल काम की वजह से, तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। हे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि हम लोग 1,00,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं, तो कर दो ना सब्सक्राइब। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यूनो, मिमोसा और क्लाउस ये लोग अपना एक मिशन कंप्लीट करके अपने रास्ते जा रहे होते हैं। तभी ही क्लाउस यूनो को बोलता है कि यूनो तुम्हारा जो स्पिरिट मैजिक है वो बहुत ही अच्छा होते जा रहा है, तो इसलिए मैं तुम पे बहुत प्राउड फील करता हूँ। लेकिन यूनो उसे इग्नोर कर देता है। उसके बाद इन लोग को एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। ये लोग जब भाग के जाते हैं उस जगह देखने की क्या हुआ, तो ये लोग देखते हैं कि वहां पे नोवेल होती है जो असल में अपने कपड़े बदल रही होती है। और ये देख के क्लाउस तो बेहोश हो जाता है। असल में नोवेल यहाँ पे आई होती है वेनिसा के साथ जो कि हमारी विच होती है, और यहाँ पे ये लोग नोवेल के लिए नया स्विम सूट ले रहे होते हैं। तो नोवेल बहुत सारे स्विम सूट देखती है और बोलती है कि उसे कोई पसंद नहीं आ रहा है। मीनवेल यहाँ पे चामी भी आई होती है और उसने भी खुद के लिए स्विम सूट लिया होता है, लेकिन तभी ही वो यूनो को देख लेती है। तो यामी सोचती है कि मैं यूनो को जाती हूँ और उसे अपना स्विम सूट दिखाती हूँ। लेकिन जब तक चामी यूनो को अपना स्विम सूट दिखाने वाली होती है तब तक यूनो वहां से निकल लेता है। उसके बाद नोवेल बहुत सारे स्विम सूट को रिफ्रिजरेट करने के बाद सबसे महंगा वाला स्विम सूट को खरीद लेती है और बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि आस्था मुझे स्विम सूट में देख के क्या ही बोलेगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा पूरा स्क्वाड रेडी होता है बीच पे जाने के लिए। लेकिन इस वक्त स्पाइकी बॉय के ब्रूम पे नोवेल और तो और आस्था बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि हम तो वैसे भी उड़ नहीं सकते तो हमें तुम्हारे ही ब्रूम पे जाना पड़ेगा। तो स्पाइकी बॉय बोलता है कि अरे यार चलो ठीक है तुम लोग बैठ जाओ मेरे ब्रूम पे, ऐसा बोल के सब लोग मस्त वहां से उड़ने के लिए रेडी होते हैं। तभी विच बोलती है कि ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है कि यामी पहले ही चला गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मतलब यामी बहुत सीरियस है इस मिशन को लेके। और ऐसे ही सब के सब वहां से निकल लेते हैं। लेकिन ये लोग उड़ते हुए शायद हमारे ग्रे बॉय को पीछे ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो दिखता ही नहीं है कहीं पे भी। फिर ऐसे ही ये लोग उड़ते रहते हैं और तभी ये लोग बोलते हैं कि जो ये बीच वाला एरिया है ये बहुत ही दूर है, तो फिनरल तुम्हारा स्पेशल मैजिक यूज करो और हमें वहां पहुंचा दो। तो फिनरल बोलता है कि मैं वहां कभी गया नहीं हूं तो मैं यूज ही नहीं कर सकता ये मैजिक। तो गैची बोलता है कि अरे यार तुम तो बहुत यूजलेस हो। तभी आस्था बोलते हैं अरे ग्रे कहां पे है, तो ग्रे बोलता है कि अरे मैं तो यहीं पे हूं। और असल में ग्रे कन्वर्ट हो गया होता है हमारे क्लाउन वाले बॉय में, और हमारा क्लाउन बॉय असल में पीछे ही छूट गया होता है। और वो बोलता है कि अरे सब मुझे छोड़ के क्यों चले गए, क्योंकि सब लोग क्लाउन बॉय के बारे में भूल गए होते हैं, उन्हें लगता है कि क्लाउन बॉय उनके साथ ही है लेकिन ये तो ग्रे होता है। और ऐसे ही उड़ते उड़ते ये लोग पहुंच जाते हैं ओशन के पास। ओशन के पास पहुंचने के बाद ये लोग मस्त इंजॉय करते हैं, ग्रे अपने बड़े वाले रबर ट्यूब में बैठ के मजे ले रहा होता है। मीनवाइल आस्था बोलता है कि वाओ भाई ओशन तो बहुत ही ज्यादा ऑसम जगह है, और वो तभी सोचता रहता है कि मैं इस जगह पे डेफिनेटली सिस्टर लिली को लेके आऊंगा और उसे यहीं पे प्रपोज करूंगा, ऐसा ये सोचता रहता है। और तभी नोवेल इसे पीछे से देख रही होती है और वो सोचती है कि शायद आस्था रिबेका के बारे में सोच रहा है। वेल कुछ भी हो जाए मैं आस्था को मेरा स्विम सूट दिखा के रहूंगी, ऐसा बोल के वो अपना स्विम सूट दिखाने जाती है आस्था को। लेकिन तभी यहाँ पे स्पाइकी बॉय आता है और वो अपना लंगोट दिखाता है आस्था को, बोलता है कि आस्था देखो मेरा ये लंगोट कितना मैनली है। और ये सीन देख के तो मुझे बहुत हंसी आई थी। और तभी ही यहाँ पे वेनिसा आ जाती है और उसके पीछे से लक आके मैग्मा के पिछवाड़े पे आग लगा देता है, और इसी वजह से हमारा स्पाइकी बॉय जो कि मैग्मा होता है वो वहां से भागने लगता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारे गाची ने अपनी बहन का बहुत बड़ा सा सैंड का फिगर बना के रखा होता है और वो उसे दिखा रहा होता है। तभी उसकी बहन असल में आस्था को देख लेती है और बोलती है अरे भाई आस्था भी है यहाँ पे। तो ये देख के गाची का दिमाग सटकता है और वो आस्था के ऊपर अटैक करने की सोचता है। लेकिन तभी नोवेल आस्था के पास जाती है और बोलती है आस्था दरअसल तुम मेरा स्विम सूट तो देखो, जैसे ही आस्था पीछे घूमता है तो उसके ऊपर गाची का हमला हो जाता है, तो बेचारा वहां से भाग लेता है। तो बेचारी नोवेल वापस से फेल हो जाती है आस्था को अपना स्विम सूट दिखाने में। मीनवाइल नोवेल आस्था के बगल में आके बैठ जाती है और बोलती है आस्था दरअसल तुम मेरी तरफ घूम के देखो तो। और जैसे ही आस्था घूमने वाला होता है तभी उसे चामी का एक फटका पड़ता है, क्योंकि चामी असल में वाटरमेलन को तोड़ने की कोशिश करती है और उसको लगता है कि आस्था का टकला ही वाटरमेलन है। तो बेचारा आस्था वापस से हेल्प नहीं कर पाता है नोवेल की उसका स्विम सूट देखने में। ऐसे ही नोवेल बहुत सारा ट्राई करती है लेकिन वो हर बार फेल होती रहती है अपना स्विम सूट आस्था को दिखाने में। और मुझे
मुझे इस सीन में बहुत बुरा लगता है नोवेल के लिए। लेकिन नोवेल के सामने फिर मैग्मा आ जाता है जिसका लंगोट बीच में गिर जाता है और ये देख के नोवेल फटाक से अपना वाटर मैजिक उसके खतरनाक पार्ट पे मार देती है और रेस्ट इन पीस मैग्मा बॉय ऐसा मुझे बोलना पड़ रहा है। मीनवेल यहाँ पे बुहा भी आ जाता है और वो अपने साथ दो चंगू मंगू को लाया रहता है। बुहा बोलता है कि जाओ चंगू मंगू तुम लोग यहाँ की सारी लड़कियों को इम्प्रेस करो और ऐसे ही बुहा उन लोग को भेज देता है नोवेल और तो और वेनेसा के पास। और इस वक्त नोवेल का दिमाग बहुत गर्म रहता है और इसके चंगू मंगू जाते हैं नोवेल को बोलते हैं ओए क्यूट सी लड़की तू कैसी है और नोवेल पीछे घूमती है और इन दोनों के ऊपर अटैक करके इन्हें यहाँ से भगा देती है और ये अटैक बैकफायर होकर बुहा के ऊपर भी पड़ जाता है। उसके बाद यामी यहाँ पे आता है और वो इन सबको एक एक फटका मार के मिट्टी में गाड़ देता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे मजा क्यों कर रहे हो हम यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। वेल ठीक है मैंने यहाँ पे बहुत इन्वेस्टिगेशन किया और इससे मुझे ये मालूम पड़ा है कि जो अंडर वाटर टेम्पल है वो बहुत ही ज्यादा माना के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है लेकिन आज से एक हफ्ते बाद जब फुल मून होगा तभी यहाँ पे माना का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो उसी वक्त हम लोग पानी के अंदर जा सकते हैं और ये टेम्पल को एंटर कर सकते हैं तो इसलिए हमें उस हफ्ते का वेट करना पड़ेगा और इसमें हमारी हेल्प करेगी नोवेल क्योंकि नोवेल ही एक ऐसी है जिसे वाटर मैजिक आता है तो वो एक वाटर का स्पीयर बनाएगी और उसके अंदर हम सब लोग को लेके जाएगी अंदर। तो नोवेल बोलती है कि लेकिन मैं तो मेरा मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकती तो यामी उसे बोलता है कि तुम्हारे पास एक हफ्ता है अपने मैजिक को कंट्रोल करने का अगर तुमने तुम्हारे मैजिक को कंट्रोल कर लिया और हमें तुम लेके चली गई तो ठीक है वरना हम जाएंगे साथ में और खत्म हो जाएंगे तो नोवेल तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रात के टाइम पे नोवेल बहुत प्रैक्टिस करती रहती है अपने मैजिक को कंट्रोल करने का लेकिन वो फेल पे फेल होती रहती है। मीनवेल वहां पे आस्था भी आता है और वो बोलता है कि मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूं अपने स्टांस को इम्प्रूव करने का। फिर आस्था नोवेल को बोलता है कि नोवेल तुम ऑल आउट चली जाओ कोई दिक्कत नहीं है इसमें अगर तुम तुम्हारा कंट्रोल खो दोगी तो मैं तो हूं ही तुम्हें हेल्प करने के लिए। तो नोवेल बोलते है कि इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है मैं मेरा कंट्रोल नहीं खोने वाली हूं। तभी वो लोग सुनते हैं कि एक लड़की दूर गाना गा रही होती है तो वो लोग भाग के जाते हैं देखने के लिए तो एक लड़की पत्थर के ऊपर खड़ी होकर गाना गा रही होती है और उसके आसपास बहुत सारे पानी के बबल्स होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि विजर्ड किंग अपने घर से भाग रहा होता है तो वहां पे उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है अरे सर तुम क्या कर रहे हो तुम क्यों भाग रहे हो। तो वो बोलता है अरे नहीं नहीं मैं भाग नहीं रहा था मैं तो सिर्फ बाहर का नजारा देख रहा था। तो वो बोलते हैं यहाँ पे इतना पेपर वर्क है और आप जान छुड़ा के भाग रहे हो प्लीज ये सब पेपर वर्क कंप्लीट करो। तो विजर्ड किंग बोलता है हाँ ये तो ठीक है बट मैं सोच रहा हूँ कि यामी का स्क्वाड इस वक्त क्या कर रहा होगा और वो लोग वो अंडर वाटर टेम्पल में जाके कब ये सब लिख करेंगे आई होप वो लोग अच्छे से हो। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यामी के स्क्वाड के सारे लोग मजे कर रहे होते हैं अपने घर में और वो लोग वहां पे बीच के पास मस्त मजे से फायर मैजिक यूज कर रहे होते हैं खाना खा रहे होते हैं अपनी बहन के प्यार में पड़े होते हैं और ऐसे ही बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। मीनवेल सिर्फ आस्था और यूनो ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इनको एक लड़की के गाने की आवाज आई हुई होती है तो ये लोग जाके उसका गाना सुन रहे होते हैं और तभी नोवेल बोलती है कि वाओ ये क्या गाना गा रही है और तभी ये लड़की उसका गाना गाने के बाद इनके पास जाती है और बोलती है अरे तुमने मेरा गाना सुन लिया ओहो हो मुझे बहुत शर्म आ रही है लेकिन ठीक है अब तुमने मेरा गाना सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है इन लोग से और तब हमें मालूम पड़ता है कि इस लड़की का नाम होता है कोनोहा और ये लड़की को गाना गाना बहुत पसंद है ये इनको अपना ड्रीम बताती है बोलती है कि इसका ड्रीम ये है कि इसे एक आइडल बनना है और बहुत सारा पैसा कमाना है। तो ये लोग बोलते हैं कि आइडल क्या होता है तो ये बोलती है आइडल एक ऐसी होती है जो गाना गाती है सबके लिए और बहुत पैसा कमाती है। तो ये लोग बोलते हैं अच्छा हम समझ गए तो ठीक है ऐसे ये लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद कोहना आस्था से हाथ मिलाते और बोलती है आस्था तुम्हारी बॉडी बहुत थकी थकी लग रही है ऐसा क्यों है। तो आस्था बोलती है हाँ ये बात तो सही है तुम्हें कैसे पता चला। तो वो बोलती है यही मेरा मैजिक है मुझे समझ आता है किसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है और ये बोलती है कि रुको मैं तुम्हारी बॉडी को ठीक करती हूँ ऐसा बोल के ये अपना हीलिंग मैजिक यूज करती है आस्था के ऊपर और आस्था की बॉडी ठीक हो जाती है। फिर ये आस्था से बोलती है कि आस्था इसके बनेंगे 100 यूल्स चलो पैसा निकालो पैसा 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 पैसा। तो आस्था बोलता है अरे यार फिर आस्था इसे 100 यूल्स दे देता है और ये बहुत खुश हो जाती है। फिर इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि अच्छा तो तुम कितने साल की हो तो ये बोलती है मैं 15 साल की हूँ। ये बोल के ये बोलती है कि अच्छा अगर मैं 15 साल की हूँ और तुम लोग भी 15 साल के हो तो हम लोग दोस्त बन जाते हैं और ऐसे ही आस्था नोवेल और तो और कोनोहा ये तीनों मिलके दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद कोनोहा इनसे पूछते हैं कि तुम लोग वैसे यहाँ पे कर क्या रहे हो तो आस्था बोल देता है कि अरे हम तो यहाँ पे एक बड़े से मिशन पे आए थे अंडरग्राउंड टेम्पल ऐसा वो बोलता है और तभी ही नोवेल उसे रोक देती है और बोलती है अरे आस्था हमें मिशन के बारे में नहीं बताना है। तो वो बोलती है कि हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मिशन के लिए आए हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल है और उसी का हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नोवेल उसे बोलती है कि मैं इस मिशन में बहुत इंपॉर्टेंट हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे मेरे मैजिक का प्रैक्टिस कर रही थी लेकिन मेरे को मेरे मैजिक को कंट्रोल करना आता नहीं है इसीलिए मैं कब से पीछे पड़ रही। तो कोनोहा बोलती है कि अच्छा अगर ये प्रॉब्लम है तो तुम मुझे तुम्हारा मैजिक दिखाओ क्या पता मैं तुम्हें हेल्प कर सकूं। तो नोवेल अपना मैजिक यूज करती है और वो वापस से फेल हो जाती है। तो कोनोहा यहाँ पे आती है और बोलती है अब जब हम दोस्त है तो मैं तुम्हारा डेफिनेटली हेल्प करने वाली। कोनोहा नोवेल से बोलती है कि नोवेल जब तुम तुम्हारा मैजिक यूज करो तो तुम तुम्हारे माइंड को काम रखो और उसे काम रखने के लिए तुम तुम्हारे फैमिली के बारे में सोचो क्योंकि तुम तुम्हारे फैमिली से बहुत प्यार करती होगी। तो तब नोवेल अपने फैमिली के बारे में सोचती है और उसके दिमाग में सारे के सारे बुरे चीजें आती है जो भी उसकी फैमिली मेंबर्स ने उसके साथ की होती है। तो वो बोलती है कि यार मेरी फैमिली तो मेरे साथ कभी अच्छे से थी ही नहीं वेल ये तो मेरी एक अच्छी मेमोरी नहीं है। तो कोनोहा उससे बोलती है क्या पता तुम्हारे पास कोई और अच्छी मेमोरी हो जिसे तुम यूज कर सको तुम्हारे माइंड को काम करने के लिए और एक बार तुम्हारा माइंड काम हो गया तो तुम आराम से अपने मैजिक को भी कंट्रोल कर पाओगी। फिर नोवेल वहां से निकल देती है और हमें दिखाते हैं कि दिन बाय दिन निकलता रहता है और नोवेल रोज प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करती रहती है और उसे आस्था हमेशा चेयरअप करता रहता है और उसके साथ कोनोहा भी होती है। ऐसे ही 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है और ऑलमोस्ट हर दिन नोवेल प्रैक्टिस करती रहती है और उसका मैजिक धीरे धीरे ठीक होता रहता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि गॉर्डन जो कि हमारा जोकर बॉय होता है वो बेचारा अकेले ही फंसा रहता है ब्लैक बुल्स के बेस पर, बोलता है कि प्लीज मेरे दोस्तों मुझे आ जाओ यहाँ पे लेने के लिए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। फिर आस्था नोवेल को बोलता है कि नोवेल अब तुम तुम्हारे दिमाग को शांत करो, हमारे पास ये आखिरी दिन बचा है, तुम तुम्हारा सारा का सारा मैजिक एक साथ निकालो और उसे यूज करो, अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें आके बचा लूंगा। तो नोवेल बोलती है कि आस्था मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन आस्था उसे बहुत फोर्स करता है तो नोवेल बोलती है ठीक है, ऐसा बोल के नोवेल अपना सारा का सारा मैजिक एक साथ बाहर छोड़ देती है और वो जैसे ही ये करती है तो उसका मैजिक से कंट्रोल छूटने लगता है और वो बोलती है कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही, और वो बोलती है कि लगता है कि मैं बिल्कुल ही यूजलेस हूँ। लेकिन तभी वो बाहर देखती है तो उसे दिखता है कि उसके सारे के सारे टीम मेंबर्स उसे चेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैग्ना होता है जो कि हमारा स्पाइकी बॉय होता है, लक होता है, गैची होता है, वेनिसा होती है, चामी होती है, ग्रे होता है, हर एक फिनरल तक होता है, हर एक मेंबर यहाँ पे होता है और वो चेयर अप करता रहता है नोवेल को। और ये देख के नोवेल बोलती है कि हाँ ये एक मेरी अच्छी मेमोरी है। और तभी ही नोवेल बोलती है कि मेरी अच्छी मेमोरी इन लोग के साथ ही हुई है जिनके साथ मैंने बहुत कम टाइम स्पेंड किया, लेकिन इनके साथ मेरी सारी की सारी अच्छी मेमोरीज है। और तभी उसे उसका फ्लैशबैक आता है कि कैसे यामी ने उसको अपने टीम में लिया था। यामी ने बोला था कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक रॉयल फेल हुआ है ये चैलेंज और वो किसी के टीम में नहीं गया है। तो नोवेल तुम्हें मैं मेरी टीम में ले लेता हूँ, तुम मेरी टीम में आ जाओ क्योंकि तुम एक ऑड बॉल हो और हमारी पूरी टीम ऑड लोगों से भरी हुई है, आ जाओ मेरी टीम में। और ऐसे ही नोवेल बहुत खुश हो जाती है, बोलती है कि मैं इसी को मेरी अच्छी मेमोरी समझती हूँ। और ऐसे ही नोवेल का कंट्रोल आ जाता है अपने मैजिक के ऊपर और ये सीन में नोवेल यूज करती है सी ड्रैगन क्रेडल ये वाला मैजिक और इसमें नोवेल बोलती है कि फाइनली मैंने ये मैजिक सीख लिया है और वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी ही नोवेल खुद को रिलैक्स करती है और उसका मैजिक टूट जाता है और वो गिरने लगती है। तो आस्था यहाँ पे आता है और नोवेल को पकड़ के बचा लेता है, लेकिन नोवेल बोलती है ओए आस्था तू मुझे इतना कैजुअली क्यों छू रहा है, ऐसा बोल के नोवेल आस्था को एक चमाट मारती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यामी एक पत्थर पे बैठा होता है और बोलता है नोवेल तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने तुम्हारे लिमिट्स को पार कर दिया है और मैं तुम्हारे पे बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, अब हम जाएंगे अंडर वाटर टेम्पल में। फिर हमें दिखाते हैं कि जो कोनोहा होती है वो बोलती है नोवेल तुमने बहुत अच्छा काम किया है, चलो अब मैं तुमसे मिलूंगी टेम्पल के अंदर, ऐसा बोल के वो कूद जाती है बाहर। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यामी यहाँ पे आता है और नोवेल को बोलता है कि नोवेल आज की रात फुल मून की रात है तो अभी हम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है और तुम हमें लेके जाओगी अंडर वाटर टेम्पल के पास। तो आस्था नोवेल को बोलता है नोवेल तू बड़ी नर्वस लग रही है, तो नोवेल बोलती है कि मैं कोई नर्वस नहीं हूँ, ऐसा बोल के नोवेल आगे बढ़ती है और तभी यामी नोवेल के कंधे पे हाथ रखता है और उसको बोलता है नोवेल अगर तुमने थोड़ी भी गलती की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा ठीक है, पर तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तुम आराम से करो। नोवेल बोलती है वाह भाई बड़ा प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, ऐसा बोल के नोवेल आगे बढ़ती है और वो यूज करती है अपना सी ड्रैगन क्रेडल वाला मैजिक और वो आराम से सबको अंदर ले लेती है और सब लोग मस्त खुशी खुशी जाते हैं अंदर नोवेल के मैजिक के साथ। लेकिन तभी ही ग्रे हमारा मोटा भाई अपने वाटर बलून को भी यहाँ पे लाया होता है और वो पूरी की पूरी एरिया खींच रहा होता है और सब लोग एकदम दब रहे होते हैं यहाँ पे। तो सब लोग बोलते हैं अरे भाई ग्रे तू किसी छोटे चीज में कन्वर्ट हो जाए यार, तो ग्रे चामी का रूप ले लेता है और ऐसे ही पूरे के पूरे क्रेडल के अंदर सबको एरिया मिल जाता है और सब लोग आराम से बैठे होते हैं और ये लोग अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। तभी यामी आता है और वो नोवेल के सर पे हाथ रखता है और बोलता है नोवेल तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम पे बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। और ऐसे ही जब ये लोग पानी के अंदर घुसते हैं तो ये लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ होती है और बहुत सारी चीजें होती है, ये सब देख के लोग एकदम खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही लोग थोड़ा सा और डीप जाते हैं तो ये लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे टॉर्नेडो होते हैं और उसके थ्रू जब ये लोग जाते हैं तो हमारी विच को उल्टी आने लगती है। मीनवेल गाची का माना बहुत कमजोर होने लगता है और वो उसकी बहन के साथ कनेक्शन खो देता है, लेकिन नोवेल एकदम अंदर एकदम परफेक्ट प्लेस पे पहुंच जाती है जहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है और हर एक चीज मस्त दिखता है। तो ये बोलते हैं वाओ ये सीनरी तो बहुत सही है, यहाँ के फिशेस कितने मस्त है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फिश के अंदर खुद के अंदर माना है और तब ये लोग पहुंच जाते हैं एक बैरियर के पास जो कि बहुत खतरनाक बैरियर होता है। नोवेल बोलते हैं कि मैं इस बैरियर को नॉर्मली क्रॉस नहीं कर पाऊंगी, इस बैरियर को हमें तोड़ना पड़ेगा। तभी यामी यहाँ पे आता है और बोलता है हमारे पास एक बंदा है जो कि मैजिकल बैरियर तोड़ सकता है और वो है आस्था। तो आस्था बोलता है सर मैं ये काम कर तो सकता हूँ लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं ना तैर नहीं सकता। तो आस्था बोलता है कि प्लीज मुझे अब आप मत भेजो यहाँ पे। तो यामी बोलता है कि भाई तुझे तैरने के लिए कौन बोल रहा है, मैं हूँ ना, ऐसा बोल के यामी आस्था को पकड़ता है और उसको पानी के अंदर फेंक देता है। तो आस्था उड़ते हुए जाता है बैरियर की तरफ और अपने स्वॉर्ड से इस बैरियर को काट देता है और वो जैसे ही बैरियर को काटता है तो वो दूसरे पार गिरता है और बोलता है अरे मुझे बचाओ मैं डूब रहा हूँ। लेकिन वो अपने आसपास देखता है तो बोलता है ये क्या, मैं तो जमीन के ऊपर हूँ और यहाँ पे हवा भी है। तब हमें मालूम पड़ता है कि जो अंडर वाटर टेम्पल होता है वो असल में एक लैंड वाला एरिया ही होता है जो पानी के अंदर होता है और वहाँ पे लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक एक करके सारे के सारे ब्लैक बुल्स के लोग भी आ जाते हैं और वो लोग ये पूरे एरिया को देख के बहुत खुश होते हैं। तो वो लोग थोड़ा छानबीन करते तो उनको वहाँ पे बहुत सारे लोग दिखते हैं। फिर यहाँ के सारे लोग आके हमारे ब्लैक बुल्स के लोगों से मिलते हैं, बोलते हैं कि अच्छा तो तुम लोग मैजिक नाइट्स हो ना, वाओ तुमसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा है, लगभग 10 साल हो चुके हैं जबकि यहाँ पे कोई विजिटर आए नहीं थे, तो तुम लोग यहाँ को देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बोल के ये लोग बहुत कुछ सारी चीजें इनके साथ शेयर करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तभी यामी इनसे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मेन प्रीस्ट कहाँ पे और तुम्हारा मेन टेम्पल कहाँ पे है। तो ये लोग इनको टेम्पल के पास लेके
जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इसी तरह से जाओगे तो तुम हमारे ग्रैंड प्रीस्ट से मिल लोगे और उनसे मिलने के बाद तुम तुम्हारा काम करवा सकते हो। ऐसा बोल के ये लोग इनको टेम्पल के अंदर डालते हैं और वहां से डोर लॉक कर देते हैं। जैसे ये लोग टेम्पल के अंदर जाते हैं तो यामी तो सबको लेके आराम से आगे निकल लेता है, लेकिन आस्था और तो और नोवेल इनके ऊपर एक अजीब सा मॉन्स्टर हमला करता है। तो ये देख के दोनों डर जाते हैं, लेकिन तभी हमारे बाकी के तीन लोग आके इस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे आता है एक बुढ़ऊ आदमी और बोलता है, हेलो मैं हूँ यहाँ का हाई प्रीस्ट और ये जो मॉन्स्टर था ये तो मेरे मैजिक से बना हुआ था, ये कोई असली मॉन्स्टर नहीं था। और वो बोलता है कि वेलकम टू माय टेम्पल। फिर वो बोलता है कि तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तो यामी बोलता है कि हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमें वो मैजिक स्टोन चाहिए। तो बोलता है ठीक है मैं ये मैजिक स्टोन तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें एक गेम खेलना पड़ेगा। तो ये लोग बोलते हैं कौन सा गेम। तो बुढ़ऊ बोलता है ये गेम ये है कि मैं सुंदर लड़कियों को गले लगाऊंगा और उन्हें छूऊंगा। तो ये सुनने के बाद नोवेल इस बुढ़े को बहुत मारती है। तो ये बोलता है नहीं नहीं ये गेम नहीं है, गेम तो कुछ और ही है। मीनवाइल हमारे ये तीनों बंदर लोग पीछे डिसाइड करते हैं कि ये लोग जाके इस बुढ़ऊ को खत्म कर देंगे और मैजिक यूज करके इसको यहाँ से गायब करके चुपचाप स्टोन लेके निकल लेंगे। और फिनरल चामी और तो और वेनिसा ये लोग बोलते हैं कि हमें कोई गेम नहीं खेलना है, हमें तो सिर्फ चिल मारना है। तो बुढ़ऊ बोलता है कि अगर तुम ये गेम खेलोगे और जीत जाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा और उसके साथ साथ एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं और बहुत सारा दारू है पीने के लिए और खाने के लिए बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें सुन के फिनरल वेनिसा और तो और चामी ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हम तो ये गेम में डेफिनेटली खेलने वाले हैं। तभी बुढ़ऊ बोलता है कि ठीक है तो मैं तुम्हें ये गेम के बारे में बताता हूँ, ये गेम एक बैटल रॉयल गेम है जहाँ पे तुम सब लोग लड़ोगे मेरे हाई प्रीस्ट से। ऐसा बोल के वो उसके सामने समन करता है 9 अजीब से प्रीस्ट्स को जिन लोगों ने सबने मछली वाले मास्क पहन के रखे होते हैं। फिर ये बोलने के बाद वो बोलता है कि चलो अभी गेम शुरू हो गया है। ऐसा बोल के ये सब लोग को टेलीपोर्ट कर देता है टेम्पल के अंदर अलग अलग जगह पे और बोलता है कि अब तुम 9 लोग लड़ोगे मेरे 9 प्रीस्ट्स के साथ। तुम लोग चाहो तो 1v1 कर सकते हो, 2v2 कर सकते हो और कैसे भी लड़ सकते हो, इसमें कोई भी रूल नहीं है। बस यही रूल है कि अगर तुम में से कोई बंदा हार मानता है तो वो हार जाएगा। जिस भी ग्रुप में ज्यादा लोग बचेंगे एंड में वही ग्रुप जीतेगा और उसकी इच्छा पूरी होगी। अब तुम जाओ ऐश करो। तो ऐसे हमें दिखाते हैं कि सब लोग डिस्पर्स हो गए रहते हैं टेंपल के अंदर कहीं ना कहीं और हर एक इंसान अलग अलग रहता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि आस्था के सामने एक प्रीस्ट आ जाता है और वो बोलता है कि अब मैं तुझसे लड़ूंगा। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यामी को इसने नहीं भेजा होता है गेम के अंदर। तो यामी बोलता है ओए बुढ़ऊ तूने मुझे क्यों नहीं भेजा। तो ये बुढ़ा बोलता है कि अगर मैं तुझे भेज देता तो गेम ऑन द स्पॉट खत्म हो गया होता, चल तू बैठ मेरे साथ मस्त खाना खा पी और ये फाइट देख। तो यामी बोलता है यार ये बात तो सही है और यामी बैठ जाता है इसके साथ। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि एक एक करके सारे के सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर के पास एक एक बंदा पहुंच जाता है लड़ने के लिए उनसे। मीनवेल ये बुढ़ऊ पूछता है कि सर मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जो ये नाइट्स है ये लोग किस रैंक के हैं। तो यामी बोलता है कि ये सब लोग तो जूनियर नाइट्स है। तो बुढ़ऊ हंसते हुए बोलता है अरे रे तो ये लोग बहुत जल्दी हार जाएंगे क्योंकि जो मेरे प्रीस्ट है ना ये लोग डेफिनेटली हाई इंटरमीडिएट लेवल के नाइट्स है, तो तुम तो भाई हार जाओगे बहुत जल्दी। लेकिन यामी बोलता है कि अच्छा तुझे इस बात का यकीन है, चलो देखते हैं। ऐसी हमें फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि एक सेकंड के अंदर हमारे स्पाइकी बॉय ने, लक ने, गाची ने, आस्था ने 4 प्रीस्ट को हरा दिया रहता है। और ये देख के बुढ़ऊ बोलता है कि अरे ये कैसे होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारे जूनियर नाइट के लेवल के बंदों ने मेरे इंटरमीडिएट नाइट के बंदों को कैसे हरा दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। और ऐसे ही अभी स्कोर हो जाता है 9-5, मतलब 9 ब्लैक बुल के लोग अभी भी गेम में है और 5 प्रीस्ट के लोग गेम में है। बुढ़ऊ बोलता है कि तुमने डेफिनेटली चीटिंग की है, लेकिन तभी यामी बोलता है कि नहीं नहीं ये चीटिंग नहीं है। वेल बुढ़ऊ चल एक बैट लगाते हैं 10,000 यूल्स का, ठीक है। तो बुढ़ऊ बोलता है हाँ चलेगा चलेगा। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि फिनरल एकदम छुप छुप के भाग रहा होता है, वो बोलता है कि मुझे किसी से भी नहीं लड़ना है। तो ये बात बुढ़ऊ देख लेता है। तो बुढ़ऊ अपना वापस से मैजिक यूज करता है और वो एक नकली मॉन्स्टर बना देता है फिनरल के पीछे, जो देख के फिनरल बहुत तेजी से भागने लगता है और एकदम दूर पहुंच जाता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि चामी मस्त अपने शीप्स को लेके मछलियां पकड़ पकड़ के उनका खाना बना के खा रही होती है और बहुत खुश रहती है। और ऐसे ही चामी और बहुत सारी मछली पकड़ रही होती है, तभी उसके सामने एक प्रीस्ट आती है जो चामी से लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन ये प्रीस्ट लड़ती नहीं है चामी से, ये आके चामी के सामने गाना गाने लगती है और चामी ये गाना सुन के वहीं पे सो जाती है। मीनवेल हमारा बुढ़ऊ बोलता है कि अभी तक जिन भी लोगों को तुमने हराया है ना वो लोग बहुत कमजोर वाले प्रीस्ट थे, मेन तो मेरे 3 हाई प्रीस्ट है जिनसे जीतना बहुत मुश्किल है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लक और तो और मैगना जो कि हमारा स्पाइकी बॉय होता है ये लोग चलते चलते साथ में मिल लेते हैं और बोलते हैं कि इन दोनों को फील हुआ है कि इनके सामने एक बहुत ही पावरफुल आदमी है और जो इनके सामने खड़ा होता है वो होता है 1 ऑफ द हाई प्रीस्ट और ये बंदा यूज करता है वाटर क्रिएशन मैजिक सी गॉड्स शील्ड ताकि वो लक के इलेक्ट्रिक अटैक के अगेंस्ट खुद को शील्ड कर सके। तो लक बोलता है कि मेरा जो इलेक्ट्रिक अटैक है वो तो इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव होना चाहिए, तो भी ये बंदे ने उसे शील्ड कर लिया, मतलब ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मीनवेल हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि आस्था ऐसे ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार मार के आगे बढ़ रहा होता है, तो वो देखते हैं कि उसके सामने एक और प्रीस्ट होता है जिसके पास 2 स्वॉर्ड होते हैं अपने हाथ में और ये प्रीस्ट आस्था को चैलेंज करता है और आस्था को चैलेंज करने के बाद ये अपना मैजिक यूज करता है आस्था के ऊपर। लेकिन ये बंदा डांस कर करके आस्था के ऊपर अटैक करता है और इसका डांस देख के आस्था कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है कि मैं इसके डांस मूव्स की वजह से इसके की को पढ़ ही नहीं पा रहा हूं और ये बंदा फटक से आके आस्था के ऊपर हमला करता है, तो आस्था उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है खुद के स्वॉर्ड के साथ और तभी ये बंदा डांस
करते करते आस्था को बोलता है कि मेरा ड्रीम ये है कि मुझे एक डांसर बनना है और तो और एक आइडल बनना है डांसर और मुझे बहुत पैसे कमाना है। ऐसा बोल के आस्था पे हमला करता रहता है तो आस्था इसे रोकता है और बोलता है मेरा भी ड्रीम है कि मुझे विजेट किंग बनना है। और ऐसा बोल के आस्था भी इसके ऊपर अटैक करता है और आस्था के अटैक से इस बंदे का मास्क टूट जाता है। तो ये बंदा बोलता है अच्छा तो चलो अभी तुम और मैं 1v1 शोडाउन करेंगे। मीनवेल नोवेल अकेले चलती रहती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने कोई भी ना आए क्योंकि मैंने अब तक कोई भी अटैकिंग स्पेल यूज किया ही नहीं है। और तभी इसके सामने वही बंदी आती है जिसने चामी को सुला दिया होता है। ये यहाँ पे आके बोलती है हाय नोवेल हम वापस मिल गए। तो नोवेल बोलती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। तो ये अपना मास्क निकालती है और दिखाती है कि ये होती है कोहना वही बंदी जो नोवेल की दोस्त बनी होती है। तो इसका ये मतलब है कि कोहना भी एक हाई प्रीस्ट है। फिर कोहना नोवेल को बोलती है कि नोवेल अब हम लड़ेंगे अच्छे से क्योंकि हम अच्छे दोस्त है तो हम लोग एकदम फेयर लड़ेंगे। ऐसा बोल के कोहना नोवेल के ऊपर अटैक करती है उसका स्लीपिंग वाला। तो नोवेल खुद को रोकने के लिए एक शील्ड मैजिक यूज करती है और खुद को रोक लेती है। तो कोहना उसके ऊपर अपने सिंगिंग मैजिक से एक अटैक करती है जिसको नोवेल रोक के रखी होती है। और फिर नोवेल उस शील्ड के अंदर से अपना वाटर अटैक मैजिक करती है लेकिन उसका एम खराब हो जाता है। तो ये देख के कोहना बोलती है कि नोवेल तुम गलत एम कर रही हो। तो नोवेल बोलती है कि मैं जानती हूँ मैं एम अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरा एम खराब होता है क्योंकि मेरा कंट्रोल नहीं मेरे मैजिक पे। तो कोहना बोलती है ऐसा तो नहीं है तुम असल में सबकॉन्शियसली मुझे हिट करना चाहती ही नहीं हो। तुम्हारे मैजिक को मैं किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ इसलिए तुम मुझे हिट नहीं कर पा रहे। तुम्हारा कंट्रोल अच्छा खासा है तुम्हारे मैजिक के ऊपर। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था और तो और ये डांसिंग बॉय ये दोनों हेड टू हेड जा रहे होते हैं स्वॉर्ड फाइट में और आस्था इसके सारे के सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट और पैरी कर रहा होता है। मीनवाइल ये भी सेम कर रहा होता है। ये आस्था को बोलता है कि आस्था तुम इस चीज को तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है और अभी हम लोग स्वॉर्ड फाइट में है तो हम लोग टू 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 जा सकते हैं। ऐसा बोल के आस्था के ऊपर एक अटैक करता है और आस्था का गाल हल्का सा कट जाता है। फिर आस्था बोलता है कि मैं इस बंदे को ऐसे तो नहीं हरा पाऊंगा मुझे भी कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आस्था भी इस डांसिंग बॉय का कॉपी करता है और बंदर की तरह डांस करने लगता है और ऐसा करते करते आस्था इसके ऊपर एक अटैक करता है जिसका असर इस बंदे के ऊपर पड़ता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि स्कोर कम हो जाता है। स्कोर हो जाता है 8-4 क्योंकि हमें मालूम पड़ता है कि वैनेसा ने एक बंदे को अपने स्ट्रिंग वाले मैजिक में पकड़ा दिया होता है और बोला होता है कि अब तू हार चुका है। फिर हमें अगले सीन में मालूम पड़ता है कि जो ये डांसिंग बॉय और सिंगिंग गर्ल होते हैं ये दोनों असल में हाई प्रीस्ट के ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं। मीनवाइल इसका जो बेटा होता है हाई प्रीस्ट का वो लड़ रहा होता है स्पाइकी बॉय और तो और लक के साथ। तभी यामी बोलता है कि ओए बुढ़ऊ चल अब टाइम वेस्ट मत कर मुझे वो मैजिक स्टोन दे दे क्योंकि यहाँ पे कोई टेररिस्ट ग्रुप का हमला हो सकता है किसी भी वक्त तो हमें वो मैजिक स्टोन चाहिए उनसे पहले। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि मैग्ना हमारा स्पाइकी बॉय और तो और लक ये दोनों लड़ रहे होते हैं हाई प्रीस्ट के बेटे से और हाई प्रीस्ट का बेटा बोलता है कि अभी मैं मेरा स्पेशल अटैक यूज करने वाला हूं। लेकिन तभी ही दीवार फूटता है और उसके थ्रू एक एनिमी आता है जो कि हाई प्रीस्ट के ऊपर हमला कर देता है और ये कोई और नहीं होता है ये होता है हमारा पोलियो वाला लायन। ये यहाँ पे पता नहीं कैसे आया चलो अब हम जानते हैं इसके बारे में। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बूहा सैंड में सो रहा होता है उसके चंगू मंगू के साथ और तभी वहां पे ये पोलियो वाला लायन आता है और वो उसके सारे के सारे मैजिक नाइट्स को खत्म कर देता है और उसके बाद वो अपना बीस्ट मैजिक यूज करता है और वो एक वेल बना के अपने लोगों को लेके पानी के अंदर कूद जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि ये पोलियो वाला लायन खड़ा होता है स्पाइकी बॉय और तो और लक के सामने और तभी ही स्पाइकी बॉय और तो और लक ये लोग बोलते हैं कि जो पोलियो वाला लायन है इसके अंदर जो ताकत है वो हमारे कैप्टन यामी से भी ज्यादा है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जो हाई प्रीस्ट का बेटा होता है वो ऑलमोस्ट हार चुका होता है लेकिन तो भी वो खड़ा होता है और बोलता है कि ओए तू यहाँ पे क्यों आया है। तो ये बोलता है मैं तो यहाँ पे बस इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे वो मैजिक स्टोन चाहिए। तो तू मुझे वो शांति से दे सकता है या तो मुझे वो तुझे तोड़ के यहाँ पे हर एक इंसान को मार के लेना पड़ेगा। तो वेल मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन 2 ही होने वाला है। ठीक है मेरे चंगू मंगू तुम यहाँ पे निकलो। तो वो अपने साथ के जितने भी लोग होते हैं उनको भेज देता है अटैक करने के लिए पूरे एरिया पे। मीनवाइल हमारा ये हाई प्रीस्ट का बेटा जो कि यहाँ का नंबर 1 मेज होता है वो यूज करता है वाटर क्रिएशन मैजिक सी गॉड्स हैमर और उसे लगता है कि ये हैमर के अटैक से पोलियो लायन तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही जाएगा। लेकिन पोलियो लायन वहाँ पे मजे से खड़ा रहता है क्योंकि उसने यूज किया होता है राइनोसोरस आर्मर और उसके ऊपर कुछ हमला भी नहीं होता है। ये सीन में हमें पोलियो वाले लायन का ये लोगों ने ग्रिमरोर दिखाया है जो कि बहुत कूल दिखता है। इसके ऊपर किसी जानवर के क्लॉज के निशान भी होते हैं। फिर उसके बाद हमारा पोलियो लायन अटैक करता है प्रीस्ट के बेटे के ऊपर और उसे एक ही अटैक में दूर उड़ा देता है। उसके साथ ही साथ ये खुद को क्लोन भी करता है और मैग्ना और तो और लक दोनों को एक साथ अटैक करके हराता है। तो इसने क्लोन कैसे किया खुद को ये मुझे समझ नहीं आया और इस सारी चीजें सब लोग देख रहे होते हैं हमारे ग्रैंड प्रीस्ट के ब्रॉडकास्ट वाले चीज की वजह से। तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है ओए बुढ़ऊ अब गेम खेलने का टाइम खत्म हो गया ये जो बंदा है ये एक टेररिस्ट ग्रुप का बंदा है और इसे हराने के लिए मुझे खुद जाना पड़ेगा वहां पे तो चल मुझे फटाक से वहां भेज। तो ये बुढ़ऊ बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि गेम का रूल है और उसके साथ साथ मेरा मैजिक ऐसे काम करता भी नहीं है। एक बार मैंने
मैंने गेम स्टार्ट करे तो मैं उसके अंदर से किसी को भी निकाल नहीं सकता और किसी को डाल भी नहीं सकता हूं जब तक वो गेम खत्म नहीं होता है। तो मैं तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो यामी बोलते चलो ठीक है, तुम तुम्हारे रूल से बंधे हुए हो, मैं खुद ही वहां बाहर निकल जाऊंगा। तो यामी अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और एक दीवार फाड़ता है। लेकिन वो दीवार के पास जब वो देखता है तो असल में यामी को वो लोगों ने एक दूसरे ही डायमेंशन में बंद कर दिया होता है, जिस वजह से यामी यहां पे नहीं घुस पाता है। फिर इसके बाद यामी और तो और बुढ़ो दोनों ही मिलकर एक अनाउंसमेंट करते हैं, सब लोग को बोलते हैं कि अभी गेम क्रैश हो चुका है क्योंकि एक खतरनाक एनिमी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो अभी मैं गेम के रूल्स चेंज कर रहा हूँ। रूल ये है कि तुम सब लोग को साथ में मिलके इस खतरनाक एनिमी को हराने का है, और अगर तुमने ये कर दिया तो तुम सबकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। और ये बंदा कोई और नहीं है, ये है उस टीम का द आई ऑफ द मिडनाइट सन का बंदा है, और ये वो बीस्ट वाला बंदा है। तो ये सुन के आस्था बोलता है कि अच्छा तो ये वही बंदा है ना पोलियो वाला लायन, इसको तो मैं अभी हरा के ही रहूंगा। फिर इसके बाद हमारा पोलियो वाला लायन बोलता है कि चलो ये तीन लोग तो खत्म हो गए, अब मेरा अगला शिकार कौन होगा। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी स्पाइकी बॉय और तो और लग खड़े होते और बोलते ओए 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 कहां जा रहा है, हम लोग अभी भी यहीं पे है, चल हमसे लड़ मेरे बेटे। तो इस वक्त स्पाइकी बॉय अपने मन में सोचता है कि इस बंदे ने जो अटैक हम पे अभी किया था, अगर उसने वो सेम अटैक वापस ही किया तो हम लोग तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी लग बोलता है कि ओए तूने अभी जो अटैक किया था ना वापस से कर, चल आजा वापस से मुझ पे वो अटैक कर। तो ये बंदा खुशी खुशी जाता है और लक के ऊपर वही अटैक वापस से करता है, लेकिन लक इस बार वो अटैक को डॉज कर लेता है और बोलता है हां मैंने इस अटैक को आखिर पढ़ ही लिया। तो तुम जब भी ये अटैक करते हो तो लैंड करने के एक मिली सेकंड पहले तुम थोड़ा टाइम के लिए खुद को खाली छोड़ देते हो, और वही मेरा चांस होने वाला है अटैक करने का। ऐसा बोल के लक इसके ऊपर अटैक करता है, और ये बंदा भी समझ जाता है कि हां लक को ये चीज तो समझ चुका है। तो ये बंदा लक के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, तो लक उसके अटैक को डॉज करता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक करता रहता है। तो ऐसे ही लक और पोलियो लायन ये लोग मजबूत लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, और लक इन सारे के सारे अटैक को डॉज कर करके काउंटर करता रहता है। तभी हमारा स्पाइकी बॉय बोलता है कि लक तुम तो बहुत ऑसम हो, और तभी स्पाइकी बॉय हमें उसका एक बैक स्टोरी सुनाता है जहां पे स्पाइकी बॉय लक के पहले आया होता है और उसका सेनपाई होता है, और वो ऐसे ही चिल कर रहा होता है तभी लक उसके पास आता है और बोलता है कि मैंने नया नया स्क्वाड ज्वाइन किया है तो प्लीज तुम मुझे आसपास की एरिया दिखाओ। ऐसा बोल के लक स्पाइकी बॉय की बहुत बेइज्जती करता है और स्पाइकी बॉय से बहुत सारी मस्ती भी करता रहता है। तभी स्पाइकी बॉय बोलता है कि लक तुम मेरे पहले ऐसे दोस्त जो मेरा बेस्ट फ्रेंड बना है, तो मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही पड़ेगी। ऐसा बोल के स्पाइकी बॉय अपना फ्लेम मैजिक यूज करता है और फ्लेम का बैट निकाल के धड़ाधड़ मारता है उससे ये पोलियो वाले लायन को। फिर उस वक्त हमें सेम बैक स्टोरी लक भी सुनाता है, और लक बोलता है सेम टू सेम बैक स्टोरी सुनाता है कि भाई तुम मेरे पहले दोस्त थे, तुमसे मैं मिला तो मैंने तुमसे बहुत मस्ती की क्योंकि मुझे तुम्हारा पोटेंशियल पता था। और लक बोलता है कि इसीलिए मैं जानता हूं कि तुम मेरे सबसे पहले दोस्त थे स्पाइकी बॉय। लेकिन फिर स्पाइकी बॉय और तो और लक इन दोनों के ऊपर लायन एक मजबूत अटैक करता है और दोनों ही दूर जाके गिर जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था और तो और काइटो जो कि ये स्वॉर्ड वाला डांसिंग बंदा होता है, ये दोनों मिलके भाग के जा रहे होते हैं स्पाइकी बॉय की हेल्प करने के लिए क्योंकि इन लोग को एक खतरनाक प्रेजेंस महसूस होता है लायन का। तो फिर काइटो आस्था से पूछता है कि आस्था तुम तो मैजिक सेंस नहीं कर सकते, तो तुमको कैसे मालूम कि हमें कहां जाना है। तो आस्था बोलता है कि मैं की सेंस कर सकता हूं और उसके थ्रू मुझे मालूम पड़ रहा है कि मुझे कहां जाना है। ऐसे ये लोग बात करते करते भागते रहते हैं आगे। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लक और तो और मैग्ना दोनों ही खड़े होते हैं और बोलते हैं कि ओए लायन अब तक हम हारे नहीं है। ऐसा बोल के दोनों धड़ाधड़ अटैक करते हैं लायन के ऊपर और एक साथ अपने पावर को कंबाइन करके अटैक करते रहते हैं, लेकिन लायन इन सबको डॉज करता रहता है। तो उसके बाद ये दोनों मिलकर अपने पावर्स को कंबाइन करते हैं और अपना फाइनल मैजिक यूज करते हैं जो कि होता है कॉम्बो मैजिक फ्लेम लाइटनिंग एक्सप्लोसिव कैनन। और ये मैजिक को जब ये लोग यूज करते हैं ये सीन बहुत एपिक रहता है और ये लोग भाग के जाते हैं अपने मैजिक को कंबाइन करके लायन बॉय के ऊपर मारते हैं और सबको ऐसा लगता है कि लायन बॉय शायद खत्म हो गया। और उसी वक्त पूरा स्क्रीन वाइट हो जाता है। यामी को लगता है कि लायन बॉय शायद से इससे खत्म हो गया होगा और यहाँ पे आस्था और काइटो भी पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि मैग्ना और लक इन दोनों के अटैक का असर होता ही नहीं है लायन बॉय के ऊपर और लायन बॉय इन दोनों के अटैक को आराम से रोक देता है। लेकिन इसके बाद मैग्ना और तो और लक इन दोनों की पावर पूरी खत्म हो जाती है और ये लोग बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। फिर आस्था अपना स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है कि अब मैं तुझसे लड़ूंगा। फिर उसके बाद लायन बॉय हमारे स्पाइकी बॉय और तो और लक इन दोनों को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी आस्था अपने स्वॉर्ड से लायन बॉय के ऊपर हमला करता है और उसके पेट को हल्का सा काट देता है। तो लायन बॉय बोलता है कि अगर तुम इस स्वॉर्ड को अच्छे से चला पाओ तो तुम मुझे खत्म कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और फिर इसके बाद आस्था और तो और काइटो ये दोनों मिलकर लायन बॉय से लड़ते हैं और लायन बॉय इन दोनों के अटैक्स को आराम से क्रिएट करके इनको रोक पाता है। तो तभी आस्था बोलता है कि लगता है कि ये बंदा हमारे की को पढ़ पा रहा है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी विच होती है वो बोलती है कि यामी ने जो अभी अनाउंसमेंट किया उससे इतना तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये बात बहुत सीरियस है क्योंकि वो कभी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करते थे, तो मुझे फटाक से जाके मदद करनी चाहिए मेरे बाकी टीममेट्स की। लेकिन तभी ही उनके पीछे एक बंदा आता है जो कि मिडनाइट सन का होता है और ये वनेसा को जो कि हमारी विच होती है उसे चैलेंज करता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि चामी सो रही होती है और फिनरल बच बच के भाग रहा होता है। वो बोलता है कि भाई अगर वो लायन बॉय यहां पे आ गया है तो उससे तो हम जीत नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो कैप्टन यामी को भी आराम से हरा रहा था। और तभी हमें दिखाते हैं कि गाची के सामने भी एक और बंदा रहता है जिसके पास एबिलिटी होती है चेन मैजिक का। तो गाची इसके ऊपर अपने मिरर मैजिक से हमला तो करता है लेकिन ये बंदा उन सबको डॉ
पहुंच करके गाची के ऊपर अपने चेन से हमला करने लगता है। तो गाची अपने डबल को लेके आता है, लेकिन तभी ये बंदा दूसरा चेन निकालता है और दूसरे चेन से गाची के डबल को खत्म कर देता है। तो गाची बोलता है ये थोड़ा टफ होने वाला है, अभी मैं क्या करूं। मीनवाइल ग्रे कहां पे घूम रहा है किसी को नहीं पता है भाई। और तभी ये चेन वाला बंदा दो चेन के बॉल बनाता है और उन दोनों बॉल से हमला करता है गाची के ऊपर। तो गाची इनसे बच के दूर दूर जाकर छुटा रहता है। तभी गाची के पास आता है ग्रे, जो कि एक क्रैब का फॉर्म लेकर रखा रहता है जिसने। उसके बाद गाची वापस से अपने डबल को लेकर आता है और वापस से चेन बॉय के ऊपर हमला करता है, लेकिन चेन बॉय इस वक्त गाची के डबल को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके साथ साथ गाची को कॉर्नर कर देता है। तो उसको लगता है कि अब वो गाची को खत्म करने वाला है, लेकिन तभी गाची चेन बॉय के पीछे टेलीपोर्ट मारता है और बोलता है कि ओए अब तू खत्म होने वाला है। ऐसा बोल के गाची अपना अल्टीमेट अटैक यूज करता है और चेन बॉय को खत्म कर देता है। और तब हमें मालूम पड़ता है कि असल में ग्रे ने अपने आप को गाची के अंदर कन्वर्ट किया होता है। और इस वक्त गाची ने यहाँ पे तीन गाची होते हैं, एक होता है गाची का डबल और एक होता है गाची खुद और एक होता है ग्रे जिसने गाची का रूप लिया होता है। तो ये बात चेन बॉय को पता नहीं रहती और चेन बॉय को लगता है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही गाची है, इसीलिए वो गाची के डबल को मारने के बाद गाची के ऊपर हमला करता है और उसको लगता है ये सब खत्म हो गया। फिर उसके बाद ग्रे गाची का रूप लेके मस्त डांस करता रहता है और बोलता है हमने इसको हरा दिया। इसके बाद वो बोलता है कि मेरा पूरा मैजिक खत्म हो चुका है और उसके साथ ही साथ मेरा पैर भी मुड़ गया है, तो प्लीज तुम मुझे अपने ऊपर लेके चलो। तो गाची ग्रे को अपने कंधे पे बैठा के आगे आगे बढ़ता रहता है। और ऐसे ही जब तक ये लोग आगे बढ़ते रहते तो ये लोग देखते हैं कि इनके सामने चामी सो रही होती है। तो गाची बोलता है कि अरे यार ये चामी सो रही है, चलो मैं इसको जाके उठाता हूँ। और ऐसे ही चल के जब ये चामी के पास जाता है तो वो एक ट्रैप के ऊपर पैर रख देता है और इस ट्रैप की वजह से गाची और तो और ग्रे दोनों ही बहुत सारे वाइन्स के अंदर आके फंस जाते हैं और ये वाइन्स इनके ग्रिमरोर को भी फंसा देता है। और तभी दो बंदे इनके सामने आते हैं। इसमें से एक बंदा तो आई ऑफ द मिडनाइट सन का होता है और जो एक होता है वो होता है हमारा नॉर्मल सा बंदा जो कि एक प्रीस्ट होता है, लेकिन इस प्रीस्ट को भी इस मिडनाइट सन वाले बंदे ने कंट्रोल किया होता है अपने वाइन्स के साथ। ये बोलता है कि इस लड़की को मैंने सिर्फ यहाँ पे यूज किया और इस वजह से तुम लोग मेरे ट्रैप में फंस गए, तुम ब्लैक बोल्स वाले तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। वेल चाहे कुछ भी हो, अब तो मैं तुम्हारा माना आराम से चूस लूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसी वक्त गाची बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हम लोग ऐसे ही हार जाएंगे। और उसको उस वक्त आस्था का फ्लैशबैक आता है, वो बोलता है कि अगर मेरा जूनियर कभी गिवअप नहीं करता तो मैं खुद क्यों गिवअप करूं। ऐसे बोल के वो अपना दिमाग लगाता है और तभी ये बंदा बोलता है कि तुम अभी टेंशन मत लो, तुम्हारा सारा का सारा मैजिक मेरे वाइंस चूस लेंगे और वो मुझे दे देंगे, तो तुम लोग आराम से यहाँ पे खत्म हो जाओगे। तभी गाची का दिमाग चलता है और वो बोलता है कि चामी सो रही है, अगर मैं कुछ करूं और चामी को यूज कर पाऊं। तब वो बोलता है ग्रे को कि ग्रे अपना मैजिक तुम वो पत्थर के ऊपर यूज करो और उसको तुम एक मीट के शेप में कन्वर्ट कर दो। और ग्रे ऐसा ही करता है, ग्रे सामने वाले बड़े से पत्थर को मीट में कन्वर्ट करता है। और तभी गाची बोलता है ओए चामी ये बंदा तेरा मीट खा रहा है। तो चामी अपने नींद से उठती है और ये बंदे के ऊपर भड़क जाती है और वो अपने शीप वाले मैजिक को यूज करती है और उसमें से एक बड़े से शीप को लेके आती है जिसका नाम होता है स्लीपिंग शीप। और ये शीप इतना पावरफुल होता है कि तीन अटैक मारता है, फर्स्ट हिट, सेकंड हिट और मेगा हिट। ये तीन हिट मार के ये मिडनाइट वाले बंदे को खत्म कर देता है। और उसके बाद चामी मस्त जंप मारती है मीट खाने के लिए, लेकिन वो पत्थर होता है। तो फिर चामी रोने लगती है, बोलती है कि तो पत्थर है। और तभी हमें मालूम पड़ता है कि ग्रे के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो सिर्फ खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है, वो किसी भी चीज को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इस वजह से ग्रे थोड़ा ज्यादा ही स्पेशल है। लेकिन तभी ग्रे बोलता है कि ओ नो मेरी सारी की सारी ताकत खत्म हो रही है, अब मेरा असली रूप रिवील हो जाएगा। तो चामी और गाची दोनों ही उसका असली रूप देखने के लिए रेडी होते हैं और दोनों के दोनों क्या मैं खुद शॉक हो जाता हूं उसका असली रूप देख के। ग्रे असल में एक मोटा सा लड़का नहीं है, वो एक ब्लू बाल वाली लड़की है। ब्रो ये सीन देख के तो मैं हैरान हो गया था कि भाई ये क्या हो गया। और ग्रे अब एकदम एम्बैरस हो जाता है, बोलता है कि प्लीज मेरे असली रूप को मत देखो, मुझे बहुत शर्म आ रहा है। और तब हमें मालूम पड़ता है कि ग्रे असल में 24 इयर्स की होती है और चामी और तो और गाची ये दोनों 19 इयर्स के होते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पोलियो वाले लायन के साथ लड़ रहे होते हैं काइटो और तो और आस्था। ये लोग जाते हैं लायन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन लायन दोनों को एक एक मुक्का मार के दूर दीवार में फेंक देता है। तो इस अटैक की वजह से काइटो तो एकदम घायल हो जाता है, लेकिन आस्था भाग के जाता है इसके ऊपर और इस पे हमला करता है। लेकिन उसी वक्त ये बंदा आस्था को बोलता है कि ओए तेरा जो ये एंटी मैजिक स्वॉर्ड है ये सिर्फ मैजिक काट सकता है, फिजिकल चीजें नहीं। ऐसा बोल के लायन उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर मारता है, तो ये पत्थर का असर बहुत होता है आस्था के ऊपर। उसके बाद लायन आस्था का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ दबा के बोलता है कि अब मैं तुझे डिस्पेयर दूंगा और ऐसा डिस्पेयर दूंगा कि तू कभी इसको भूल नहीं पाएगा। ऐसा बोल के वो आस्था का हाथ दबाता रहता है। तभी आस्था अपना मुंह खोलता है और वो लायन बॉय के हाथ को काट लेता है। तो लायन बॉय बोलता है ओए तू ये क्या कर रहा है। उसी वक्त यहाँ पे एंट्री होती है नोवेल की और तो और कोनोहा की। ये दोनों यहाँ पे आके बोलती है कि अब तक आस्था ने गिवअप नहीं किया है तो हम जीत सकते हैं। फिर उसके बाद आस्था वापस से लायन बॉय के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लायन बॉय उसे एक मुक्का मार के दूर फेंक देता है। तो तभी ही कोनोहा अपना गाने वाला मैजिक यूज करती है और आस्था को धक्का खाने से बचा लेती है। उसके बाद नोवेल कोनोहा को बोलती है कोनोहा तुम तुम्हारा हीलिंग मैजिक यूज करें, क्या तुम्हें इन सबको हील कर सकती हो। तो कोनोहा बोलती है कि मैं हील तो कर सकती हूँ लेकिन मुझे 2 मिनट का तुम टाइम दो। ऐसा बोल के कोनोहा जोर से चिल्लाती है, बोलती है ओए बड़े भाई तू वहाँ पे सो क्यों रहा है, हमें लड़ना है इससे और इसे हराना है। तभी उसका भाई खड़ा होता है और वो बोलता है कि हाँ कोनोहा तुम तो सही बोल रही हो। और इसके बाद कोनोहा और काइटो दोनों ही अपना पार्टनरशिप यूज करते हैं। कोनोहा गाना गाने लगती है और काइटो मस्त डांस करते करते जाता है लड़ने के लिए लायन बॉय से। ये देख के हमारा बुढ़ऊ हमें बैक स्टोरी देता है काइटो का। तो इस बैक स्टोरी में हमें ये मालूम पड़ता है कि बचपन से ही कोनोहा और काइटो दोनों ही साथ में गाना गाते थे और डांस करते थे। और काइटो का ये सपना है कि उसे बड़ा होकर एक डांसर बनना है और सरफेस पे जाके डांस करना है लोगों के लिए। और ऐसे ही वो लोग बचपन में हमेशा प्रैक्टिस करते
सब लोग उनका डांस और गाना देखते रहते थे। उसके बाद कोनोहा और तो और काइटो दोनों ही मस्त अपने कॉम्बिनेशन से फाइट करते हैं लायन बॉय के अगेंस्ट, और लायन बॉय इनके अटैक्स को पहचान नहीं पाता क्योंकि इसमें बिल्कुल भी वो इनकी की को महसूस ही नहीं कर पाता है, और ऐसे ये लोग थोड़ा सा हावी होते हैं लायन बॉय के ऊपर। और ये सब देख के बुढ़ाऊ बहुत एक्साइटेड हो जाता है, वो बोलता है कि अरे वाह ये तो बहुत सही है, अब हमारे बच्चे इसे हरा देंगे। लेकिन तभी ही लायन बॉय वापस से इन दोनों के ऊपर हमला करता है, और वो पहला हमला करता है काइटो के ऊपर, और उसी हमले से वो काइटो के पैर को काट देता है, और इसके बाद काइटो डांस नहीं कर पाता है। तो ये सीन देख के मुझे थोड़ा बुरा लगा था कि बेचारे का सपना था डांसर बनने का और उसका पैर ही कट गया। उसके बाद लायन बॉय भाग के जाता है कोनोहा के पास, उसको पकड़ता है और उसके गले पे अपना हाथ मार के उसका वॉइस बॉक्स ही तोड़ देता है। तो इसी तरह से लायन बॉय ने काइटो और तो और कोनोहा दोनों का सपना डिस्ट्रॉय कर दिया। काइटो अब कभी डांस नहीं कर पाया क्योंकि उसका पैर कट गया, और कोनोहा अभी कभी गा नहीं पाई क्योंकि उसका वॉइस बॉक्स टूट चुका है। और वो बोलता है कि सपने बॉन्ड्स ये सब चीज तुम भाई बहनों के अंदर नहीं है, सपने और बॉन्ड्स तो हमारे हैं, हम लोग के मिडनाइट सन वाले लोगों के, हमारे जो सपने हैं और जो बॉन्ड है लिक्ट के साथ वो तुम्हें नहीं पता है। फिर उसके बाद लायन बॉय बोलता है कि अभी तुम डिस्पेयर में जाओ लड़की, लेकिन कोनोहा उसे एकदम डट के देखती रहती है। तो लायन बॉय बोलता है अच्छा तो तुम डिस्पेयर में नहीं जाओगी, वेल ठीक है, ऐसा बोल के लायन बॉय एक मुक्का मारने वाला होता है कोनोहा को। तभी नोवेल बोलते कि ओए मेरे दोस्त को छोड़ दे, उसे बिल्कुल ही मत छू। तो फिर लायन बॉय बोलता है कि अरे ओए बच्ची तेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, चुपचाप वहां पे खड़ी होके ये तमाशा देख और अपने दोस्त को खत्म होते हुए देख। तभी नोवेल बोलते कि यार मैं कितनी कमजोर हूं, मेरे पास एक भी अटैकिंग मूव नहीं है, जब आस्था के ऊपर भी ऐसे हमला हो रहा तभी मैं उसे हेल्प नहीं कर पाई थी, और कोनोहा ने अपना गाना गाने वाला मैजिक यूज करके उसे बचाया था, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी कोनोहा टेलीपैथिकली बात करती है नोवेल से, और नोवेल को बोलती है नोवेल तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, तुम तुम्हारे पावर को कंट्रोल कर सकती हो, बस तुम अपने माइंड को फोकस करो और इसके ऊपर अटैक करो, मेरे बारे में तुम बिल्कुल परवाह मत करो, जो लोग तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम उनके बारे में सोचो, और प्लीज तुम ऐसा करो। ये सब सुनने के बाद नोवेल के अंदर एक अवेकनिंग आती है और वो चार्ज अप हो जाती है, उसका ग्रिमरोर मस्त टर्न होने लगता है और उसके अंदर एक नया स्पेल आता है, और नोवेल के आसपास बहुत सारा ऑरा उड़ने लगता है। और ये सब देख के लायन बॉय थोड़ा डर जाता है, वो बोलता है कि अच्छा तो तुम एक रॉयल्टी हो, तुमने मुझे बताया नहीं था, और तुम सिल्वा फैमिली की हो, करप्ट फैमिली की, अब तुम्हें खत्म करने में मजा आएगा, वेल तुम्हारे अंदर पावर तो बहुत है, तुमने ये पावर पहले छुपा के कहां रखी थी। नोवेल बोलते कि ओए मेरे दोस्त को तू छोड़ दे और यहां से चुपचाप निकल जा, लेकिन तभी लायन बॉय बोलता है कि अरे तू रुक जा बेटी, अब मैं तुझे मेरा पावर दिखाऊंगा, ऐसा बोल के लायन बॉय अपना मैजिक फोकस करता है अपने हाथ पे और हमला करने वाला होता है नोवेल के ऊपर। लेकिन तभी नोवेल उसका नया मैजिक यूज करती है, वाटर क्रिएशन मैजिक सी ड्रैगन्स रोर, और ये मैजिक में वाटर का पूरा एक ड्रैगन बनता है और ड्रैगन उड़ के जाता है लायन बॉय के ऊपर। लेकिन लायन बॉय अपने बेयर क्लॉ से इसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लायन बॉय इसमें फेल हो जाता है, ये ड्रैगन लायन बॉय को लेके उड़ जाता है और लायन बॉय का पूरा राइट हैंड डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब नोवेल पहली बंदी है जिसने लायन बॉय के ऊपर एक फेटल वुंड मारा है, और ये देख के लायन बॉय एकदम शॉक हो जाता है, और बाहर के सब लोग जो ये टीवी पे देख रहे होते हैं वो लोग बोलते हैं कि नोवेल तो हमारी वाटर गॉडेस है, यहां तक कि यामी तक बोलता है कि नोवेल तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम तुम्हारे लिमिट के एकदम आर पार चली गई हो। फिर उसके बाद लायन बॉय का बैक स्टोरी आता है जहां पे हमें दिखाते हैं कि उसकी जो कंट्री होती है उसको ह्यूमंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और वहां पे लिक्ट उसके साथ होता है। ये कंट्री के जो लोग होते हैं वो मुझे थोड़े एल्फ के जैसे दिख रहे हैं क्योंकि अगर आप उनके कान पे फोकस करो तो उनके कान पॉइंटेड है और एल्फ के जैसे बड़े हैं। तो ये फ्लैशबैक के बाद लायन बॉय की अवेकनिंग होती है और उसकी तीसरी आंख खुल जाती है, और इसके बाद लायन बॉय एकदम पावरफुल बन जाता है और वो बोलता है कि अब मैं कोई नॉर्मल बीस्ट मैजिक नहीं यूज करने वाला हूं, मैं यूज करने वाला हूं मिथिकल बीस्ट मैजिक, और लायन बॉय की आवाज भी चेंज हो जाती है, और इसके साथ ही साथ उसका जो राइट हैंड डिस्ट्रॉय हो चुका होता है वो वापस से रीग्रो हो जाता है। और ये देख के तो नोवेल एकदम डर जाती है, और ये सब देखने के बाद यामी बोलता है कि नोवेल तुम वहां से भागो, तुम उसके अगेंस्ट अभी नहीं लड़ सकती हो। लेकिन नोवेल बोलते कि मेरे सब दोस्त यहां पे पड़े हुए, मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती हूं, और नोवेल अपना मैजिक यूज करती है इसके अगेंस्ट, लेकिन वो देखती है कि उसके पास बिल्कुल भी मैजिक बचा ही नहीं होता है क्योंकि जो उसने नया मैजिक स्पेल यूज किया होता है उसने उसका पूरा मैजिक चूस लिया होता है। और तभी ही लायन बॉय कोई तो अजीब से लैंग्वेज में मैजिक का नाम लेता है और अटैक करता है नोवेल के ऊपर, और नोवेल वहां पे से खड़ी रहती है। लेकिन तभी ही आस्था वहां पे आता है और वो अटैक को डिफ्लेक्ट करके बोलता है कि ओए लायन बॉय मैं तुझे मेरे दोस्त के ऊपर हाथ नहीं लगाने दूंगा, अब तुझसे लड़ूंगा मैं। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि बेनिसा जो हमारी विच होती है वो लड़ रही होती है एक मिडनाइट वाले बंदे से जिसके पास बहुत सारे बड़े बड़े सुई जैसी चीजें होती है, और वो बोलता है कि मैं अब तुम्हारा सारा का सारा माना चूसने वाला हूँ क्योंकि मैं मेरा मस्किटो मैजिक यूज करूंगा तुम्हारे ऊपर। तभी बेनिसा बोलती है कि अरे बापरे ये इतना खतरनाक माना ये किसका हो सकता है। यहाँ पे ये बात कर रही होती है वो मिथिकल बीस्ट के बारे में, यहाँ तक कि सरफेस पे जहाँ पे बूहा सोरा होता है उसे भी ये सब फील होता है। वो बोलता है कि इतना खतरनाक माना बाहर आ रहा है तो मुझे जाके हेल्प लेके आना चाहिए यहाँ पे। और तभी नोवेल बोलती है कि ये लायन बॉय ने जिस तरह से उसकी तीसरी आंख खोली के तो एकदम उस डीमन के जैसे दिख रहा है जिस डीमन को पहले विजर्ड किंग ने खत्म किया था। मीनवाइल यामी अपना दिमाग खो रहा होता है, वो नए डायमेंशन के अंदर बोलता है कि ओए भाई मुझे बाहर आने दे वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा, मुझे कैसे भी जाके मेरे टीममेट्स को बचाना है क्योंकि ये अब उनके बस की बात नहीं रही है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेनिसा से लड़ रहा होता है ये मस्किटो वाला बंदा, इसने हर जगह इसके पिन डाल के रखे होते हैं और उसके थ्रू ये एक सुपरसोनिक आवाज भेज रहा होता है वेनिसा के अंदर जो वेनिसा के कान को फाड़ रहा होता है, और ये बोलता है कि अभी जैसे एक मक्खी तुम्हारा खून चूसती है वैसे ही ये मेरे मस्किटो मैजिक तुम्हारा माना चूसेगा, ऐसा बोल के ये वेनिसा के ऊपर दो तीन अटैक करता है। तो वेनिसा इसे डॉच करने की कोशिश
करती है और वो हर जगह पे भाग भाग के अपना थ्रेड लगाती रहती है। और इसी तरह से वैनिसा अपने नेक्स्ट अटैक में ये बंदे को अपने थ्रेड्स में अटका देती है और बोलती है कि तू कितना बेवकूफ है, तू जब तक मुझसे डिस्टेंस पे था तब तक तू तेरे मैजिक को यूज करके मुझ पे अटैक कर पा रहा था, लेकिन तू जैसे ही मेरे क्लोज आया मेरा माना चूसने के लिए वैसे ही तू मेरे थ्रेड में फंस चुका है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो तू एक मस्कीटो होके मेरे थ्रेड में कुछ इस तरह से फंसा है जैसे कि एक मक्खी एक मकड़ी के थ्रेड में फंस जाती है। और फिर वैनिसा अपने थ्रेड से इसको एक पपेट बना के इसको नचाती रहती है और बोलती है कि देख मैं तो कितना इजीली कंट्रोल कर सकती हूँ। और ऐसा बोल के वैनिसा उसके ही हाथ के माना सकिंग वाले वो पिंस को उसके पेट में घुसेड़ देती है और वो खुद ही खुद का माना चूस के बूढ़ा होकर वहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि आस्था यहाँ पे कैसे आया और उसने मतलब नोवेल को कैसे बचाया क्योंकि उसकी हालत तो पहले ही खराब थी। आस्था बोलता है कि जैसे ही कोनोहा वहाँ पे गिरी हुई थी तो वो धीरे धीरे गा के मुझे हील कर रही थी और उसी वजह से मुझे थोड़ी बहुत एनर्जी आई और वैसे ही मैं आके तुम्हें बचा पाया। ऐसा बोल के वो नोवेल के सर पे हाथ रखता और उसको हेडपैट देता और बोलता नोवेल तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ तुमसे। और इसके बाद नोवेल जो ब्लश करती है भाई। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि फिनरल इनके पीछे छुपा हुआ होता है और वो बोलता है अरे बाप रे भाई मैं इस बंदे से नहीं लड़ने वाला हूँ, ये बंदा पहले ही इतना खतरनाक था और अब इसने इसकी तीसरी आंख खोल के और खतरनाक हो गया, मैं तो यहाँ से बच के भाग रहा हूँ, तुम लोग तुम्हारा देख लो। तभी लेकिन उसके दिमाग में एक सेकंड के लिए आता है कि मुझे मेरे दोस्तों को बचाना चाहिए वरना ये उसे खत्म कर देगा, लेकिन वो बोलता है इसमें गलती उनकी है, वो लोग लड़ने गए थे, सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे मेरी जान बचानी है। ऐसा बोल के फिनरल वहां से भागने ही वाला होता है कि तभी ये लायन बॉय बोलता है कि ओए आस्था मैं अब तुझे ट्रू डिस्पेयर दिखाऊंगा, पहले मैं तेरे दोस्तों को खत्म करूंगा और उसके बाद तुझे एकदम आराम से मारूंगा। ऐसा बोल के लायन बॉय अपना खतरनाक अटैक अनलिश करने वाला होता है मैग्ना लग के ऊपर जो कि वहां पे गिरे हुए होते हैं, लेकिन तभी वहां पे आती है वैनिसा और ये आके अपने थ्रेड मैजिक से लायन बॉय को बंदी बना देती है और उसके साथ ही साथ बाकी सबको खींच के पीछे सेफ्टी में लेके आ जाती है। यह सब देख के यामी बोलता है कि मेरी टीम के सारे मेंबर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, गाची हो गया, मैग्ना हो गया, लक हो गया, वैनिसा हो गई, आस्था, नोवेल ये लोग हो गए, चामी, इन सब ने मिलके अपने लिमिट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और ये लोग इनके लिमिट्स के आगे तक जाके काम किए हैं, मैं इन सब पे बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। लेकिन उसी वक्त लायन बॉय बोलता है कि अरे ओए लड़की तुझे लगता है तू ये सब पतले पतले धागे से मुझे रोक सकती है, ऐसा बोल के वो उसके थ्रेड को तोड़ देता है और बोलता है अब मैं तुझ पे मेरा मेन अटैक यूज करने वाला हूँ। ऐसा बोल के ये बीस्ट मैजिक यूज करता है हमारे हीरोज के ऊपर, लेकिन तभी ही नसीब से पता नहीं कैसे लेकिन फिनरल फाइनली हिम्मत लेके आता है और वो अपना स्पेशल मैजिक यूज करके इसके बीस्ट अटैक को टेलीपोर्ट करके इसी को मारता है और फिनरल बोलता है कि ओए तू मेरे दोस्तों को हाथ नहीं लगा सकता है, लेकिन तभी फिनरल अपने मन में बोलता है अरे भाई मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मैंने ये ऐसा क्यों किया, अब तो मैं डेफिनेटली खत्म हो जाऊंगा यार। लेकिन तभी ही वैनिसा वहां पे आती है और बोलती है ओए फिनरल तू फाइनली एक आदमी बन गया है, वेल मैं तुझ पे बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, तूने अच्छा काम किया है। फिर उसके बाद वैनिसा फिनरल को बोलती है फिनरल अगर तुम यहाँ पे अच्छे से लड़े तो मैं तुम्हें मेरे सीने पे अपना सर रख के सोने दूंगी, तो फिनरल बोलता है बस यही तो मुझे सुनना था और वो पूरा चार्ज अप हो जाता है। फिर उसके बाद वैनिसा अपना थ्रेड मैजिक यूज करती है और वो आस्था के हाथ को उसके स्वॉर्ड से बांध देती है और बोलती है कि ओए आस्था अब तू हमारी आखिरी उम्मीद है, हम दोनों तुझे सपोर्ट देंगे और तुझे जाके इससे लड़ना है, तू टेंशन मत ले, हम लोग तुझे बिल्कुल भी खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन देखो मोबिलिटी और पूरा का पूरा फ्रीडम हम देंगे। उसके बाद आस्था बोलता है मुझे यही तो सुनना था। मीनवाइल नोवेल पीछे सब लोगों को जख्मी लोगों की हेल्प कर रही होती है। उसके बाद आस्था उड़ के जाता है लायन बॉय के पास और उसके ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे वो फिनरल के टेलीपोर्टर में टेलीपोर्ट होता रहता है और ये वैनिसा के थ्रेड्स के मदद से फटाफट यहाँ से वहाँ घूम घूम के लायन बॉय के ऊपर हमला करता रहता है और वो ऐसे ही लायन बॉय के गाल को काट देता है और लायन बॉय बोलता है कि ओ भाई ये बंदा तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। उसके बाद लायन बॉय अपना हीलिंग मैजिक यूज करके अपने गाल को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोलता है कि अरे मैं तो इसे हील ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये बंदा तो अब मेरा बहुत दिमाग खराब कर रहा है, ओए इंसान अब तूने मेरा पारा गरम कर दिया है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि वैनिसा ने हर जगह अपने थ्रेड को बांध दिया होता है जिसके वजह से आस्था फटाफट रिली हर जगह घूम रहा होता है और यही बात लायन बॉय ने भी नोटिस कर ली होती है। मीनवाइल आस्था, वैनिसा और तो और फिनरल इनकी मदद से फटाफट यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट होके लायन बॉय के ऊपर हमला करता रहता है और उसके बॉडी को जगह जगह काटता रहता है और लायन बॉय इसके स्पीड के साथ कीप अप कर ही नहीं पाता है। वो बोलता है कि आस्था बहुत ही ज्यादा तेज है, मैं क्या करूं। ऐसा बोल के लायन बॉय चुपचाप वहां पे खड़ा रहता है और हर चीज को नोटिस करता रहता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गाची, चामी और तो और ग्रे ये लोग मस्त आराम से लेटे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं क्योंकि इनका पूरा मैजिक खत्म हो गया होता है। तो ये लोग बोलते हैं हम लोग फटाफट अपना मैजिक रिप्लेनिश करेंगे और उसके बाद जाके हमारे टीममेट्स की हेल्प करेंगे। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि आस्था नॉर्मली अटैक करता रहता है लायन बॉय के ऊपर टेलीपोर्ट होके, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे करके फिनरल का मैजिक कम होता रहता है और उसके साथ ही साथ लायन बॉय ने आस्था के स्पीड के साथ कैचअप कर लिया होता है। वो धीरे धीरे आस्था को बेरली मिस करता रहता है और फिर ऐसे ही वो अच्छा टाइम देख के आस्था के ऊपर अटैक करता है और आस्था का पेट काट देता है और ये बहुत ही खतरनाक जख्म लग जाता है आस्था को, आस्था का पेट में से खून बहने लगता है। और तभी ही यामी एक और अनाउंसमेंट देता है, बोलता है कि ओए आस्था तू क्या कर रहा है, तू सेम चीज बार बार कर रहा है और अगर तूने वापस से इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो ये बंदे ने तेरे स्पीड के साथ पहले मैचअप कर दिया, ये तुझे डेफिनेटली खत्म कर देगा, तो अब तू इसके ऊपर सेम चीज करके अटैक मत कर। तभी आस्था बोलता है कि अगर मैं इस पे अटैक करूंगा नहीं तो मैं इसे खत्म कैसे करूंगा। तो यामी बोलता है कि मैं तुझे ये नहीं बोल रहा हूं कि तू इसके ऊपर अटैक मत कर, मैं तुझे बस ये बोल रहा हूं कि सेम चीज मत कर, अब तुझे तेरा दिमाग लगाना है और तुम तीनों को मिलकर अपने लिमिट्स को पार करके इसके ऊपर अटैक करना है, सेम तरीके से अटैक मत करो, कुछ तो डिफरेंट करो। फिर इसके बाद हमारे तीनों के तीनों हीरोज अपने आप को चार्ज अप करते हैं और बहुत फटाफट लायन बॉय के ऊपर
अटैक करते हैं और लायन बॉय भी आस्था की स्पीड को मैचअप करता है और उसके अटैक को काउंटर अटैक करता रहता है। ये वाला सीन बहुत ही एपिक होता है। हर जगह पे टेलीपोर्टर्स खुल गए होते हैं जिसके थ्रू आस्था जंप मार मार के लायन बॉय के ऊपर अटैक करता रहता है। मीनवाइल हमें हमारी विच का बैक स्टोरी दिखाते हैं जहां पे वो एक केज के अंदर बंद रहती है और वो वेट करते रहती है कि कब उसका टाइम आएगा। तो वो ऐसे ही अपने डॉल से बात करती रहती है। तो उसकी डॉल बोलती है कि तुम यहां से भाग क्यों नहीं जाती हो। तो वो बोलती है कि मैं भाग नहीं सकती क्योंकि मुझे मेरी क्वीन को डिसअपॉइंट नहीं करना है। फिर ऐसे ही एक दिन उसके पास एक आदमी आता है और वो उसके केज को तोड़ता है और बोलता है कि तुम यहां से निकल जाओ और अपना फेट खुद लिखो। और मुझे लगता है ये आदमी कोई और नहीं यामी ही था, क्योंकि उसके बाद विच वापस से फ्लैशबैक देखती है और बोलती है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी जब मैं मेरे दोस्तों के साथ ब्लैक बुल्स के अंदर थी, तो वही मेरा सबसे बेस्ट टाइम था। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं फिनरल का बैक स्टोरी, जहां हमें ये मालूम पड़ता है कि बचपन से ही फिनरल का मैजिक थोड़ा वीक था और वो बोलता है कि उसे कभी अपने मैजिक के साथ हिंसा नहीं करनी है। वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है फिनरल, लेकिन वो हमेशा सबको बोलता है कि मैं मेरे मैजिक को किसी को हर्ट करने के लिए नहीं यूज करना चाहता हूं। लेकिन उसके जगह पे जो उसका छोटा भाई होता है वो उसके मैजिक में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है और उसके पोर्टल्स बहुत खतरनाक होते हैं। तो फिनरल के फैमिली वाले फिनरल को हमेशा बुला भला बोलते रहते थे और उसके छोटे भाई को बहुत प्रेज करते थे। और ऐसे ही उसका छोटा भाई गोल्डन डॉन्स का व्हाइट पफाइस कैप्टन बन गया था और यहाँ पे फिनरल सिर्फ बेयरली ब्लैक बुल्स को ज्वाइन कर पाया था। तो उसके फैमिली वाले बोलते कि हमारे फैमिली का हेड भी तुम्हारा छोटा भाई ही बनेगा, तो फिनरल तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिनरल बोलता कि हाँ मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीनवाइल फिनरल बोलता है कि मैंने मेरी जिंदगी से लड़कियों से फ्लर्ट करते करते निकाला है, लेकिन आस्था मैं तुझे मेरा पूरा बैकअप देता हूँ, आज मैं मेरी लिमिट्स को क्रॉस करूंगा। और ऐसे ही बेनिसा ही बोलती कि आस्था मैं भी तुझे पूरा बैकअप दे रही हूँ और मैं मेरी लिमिट्स को यहाँ पे क्रॉस करूंगी। फिर इसके बाद यहाँ पे हजारों पोर्टल खुल जाते हैं और हजारों थ्रेट्स आ जाते हैं और आस्था इनके थ्रू कूद कूद के लायन बॉय के ऊपर अटैक करता रहता है। लेकिन तभी लायन बॉय बोलता है कि हाँ तो अब तो तुम लोग तुम्हारी लिमिट पे पहुंच ही चुके हो, क्योंकि पोर्टल फटाफट बंद होने लगते हैं और थ्रेड भी एकदम टूटने वाले होते हैं। और तभी हमें दिखता है कि फिनरल और तो और बेनिसा के लोग एकदम कांप रहे होते क्योंकि इनकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई होती है। लायन बॉय बोलता है कि तुम इंसेक्ट्स के अंदर इतनी ही ताकत थी ना, अब मैं तुम्हें आराम से डिस्पेयर दूंगा। ऐसा बोल के लायन बॉय इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाते हैं गाची, ग्रे और तो और चामी, और ये लोग यहाँ पे आके लायन बॉय के ऊपर हमला करते हैं। और तभी सब लोग ग्रे का असली रूप देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं अरे ये ब्लू बल वाली लड़की ग्रे है, बाप रे। और तभी गाची अपने हजारों मिरर को वहां पे लेके आता है और लायन बॉय के ऊपर हमला करता है, लेकिन लायन बॉय इसे डॉच कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे चामी आती है और वो अपने वापस से स्लीपिंग शिप को लेके आती है और उससे अटैक करती है लायन बॉय के ऊपर। लायन बॉय बोलता है कि इन सब चीजों का मुझे बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला है। लेकिन इसी में बीच में आस्था मस्त धुएं के अंदर से निकलता है और लायन बॉय के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करता है। बट ये सिर्फ इतना ही नहीं होता है, यहाँ पे ग्रे भी अपने मैजिक को यूज करता है और वो हजारों ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है आस्था के, और यहाँ पे हजारों आस्था आ जाते हैं और वो लोग मिलकर धड़ाधड़ लायन बॉय के ऊपर हमला करते हैं और उसके बॉडी को काटते रहते हैं। और फिर असली आस्था आता है और वो अपना तलवार को लायन बॉय के अंदर घुसेड़ देता है। और तभी सबको लगता है कि अभी ये लोग जीत चुके हैं क्योंकि आस्था ने अपने स्वॉर्ड को लायन बॉय के अंदर घुसेड़ दिया है। लेकिन तभी लायन बॉय हंसता है और बोलता है तो तू मेरे ट्रैप में फंस गया, मैंने जानबूझ के तेरे स्वॉर्ड को अपने अंदर अटैक होने दिया, अब तेरा स्वॉर्ड मैं तुझे छीन लूंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसा बोल के वो आस्था के हाथ को पकड़ता और उसके ऊपर अटैक करता। तो आस्था दर्द में चिल्लाता रहता है और ये देख के सब लोग एकदम टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि सब लोग घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि आस्था गया। तभी आस्था अपने हाथ को छुड़ा के जमीन पे गिरता है और लायन बॉय वो स्वॉर्ड अपने अंदर ही रखता है, बोलता है अब मैं तुझे रियल डिस्पेयर दूंगा बेटा। ऐसा बोल के वो आस्था के ऊपर हंसने लगता है, लेकिन आस्था तभी खड़ा होता है और बोलता है मैं बिल्कुल भी नहीं गिव अप करने वाला हूं, मैं तुझसे अभी भी लड़ूंगा। और ये देख के सब लोग के अंदर एनर्जी आती है, लेकिन लायन बॉय इस वक्त अपने बेयर क्लॉ को यूज करता है और आस्था के ऊपर अटैक मारता है। लेकिन तभी वेनिसा उसे अपने थ्रेड से पीछे खींच लेती है और उसके साथ ही साथ फिनरल अपने टेलीपोर्टर के थ्रू उसको पीछे लेके आता है। और गाची भी अपने मिरर मैजिक से अटैक करता है लायन बॉय के ऊपर और बोलता है ओए डिस्पेयर वाले तुझे ये कैसा लगा। फिर इसके बाद वेनिसा अपने थ्रेड से आस्था के टूटे हुए हाथ को बांधती है और बोलती है आस्था तुम्हारे टूटे हुए हाथ को मैं सपोर्ट करूंगी। मीनवाइल आस्था बोलता है कि सब ठीक है और वो अपना दूसरा वाला स्वॉर्ड उठाता है और बोलता है मेरे पास एक और स्वॉर्ड है लायन, अब तू देख। ऐसा बोल के वो वापस से अटैक करने के लिए भागता है लायन की तरफ। मीनवाइल वो फिनरल हर जगह अपने पोर्टल को खड़ा करता है और बोलता है आस्था तुम मेरे पोर्टल के थ्रू जाओ। तो आस्था उड़ते हुए निकलता है पोर्टल के थ्रू और बोलता है लायन बॉय तू रुका रहे, और लायन बोलता है कि अब मैं तुझे ट्रू डिस्पेयर दूंगा। लेकिन वो तभी महसूस करता है कि उसकी पूरी की पूरी पावर कम होती रहती है। तो बोलता है अच्छा ये जो स्वॉर्ड मेरे अंदर लगा हुआ है ये मेरे पावर को खींच रहा है, तो एक तरह से मैंने अपने आप को डिसएडवांटेज में फेंक दिया है। ऐसा बोल के वो स्वॉर्ड को अपने पेट में से बाहर निकाल के फेंकता है और आस्था को दूर फेंक के मारता है, बोलता है अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ऐसा बोल के वो अपने अल्टीमेट मैजिक को बाहर निकालता है। लेकिन तभी वो देखता है तो उसे लगता है कि उसके सामने एक बहुत खतरनाक डीमन खड़ा है और एक खतरनाक सीन दिखता है यहाँ पे। और ये देख के लायन बॉय एकदम से डर जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। और तभी एक खतरनाक डीमन की एंट्री होती है जो कि कोई डीमन नहीं होता है, ये होता है आस्था खुद। और आस्था बोलता है मैंने अब तक गिव अप नहीं किया है मेरे बेटे। और तभी ही आस्था के अंदर से एक डीमन निकलता है और ये सीन बहुत ही खतरनाक दिखता है। और आस्था के मुंह पे पूरे ब्लैक ब्लैक मार्किंग्स आ जाते हैं जो कि उसके डीमन मार्किंग्स होते हैं। और आस्था चल के जाता है हमारे लायन बॉय की तरफ और वो धड़ाधड़ सारे के सारे टेलीपोर्टर्स के थ्रू टेलीपोर्ट हो के लायन बॉय के ऊपर अटैक करता रहता है और उसके बॉडी को काटता रहता है। हर जगह से लायन बॉय की बॉडी कटती रहती है। और उसके बाद आस्था अपना फाइनल ब्लो यूज करता है और पूरा फ्लिप मार के लायन बॉय को बीच से काट देता है। और ये वाला सीन बहुत ही एपिक होता है क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा एनिमेशन चेंज हो जाता है, पूरा सीन ब्लैक एंड व्हाइट में होता है ये वाला। और इसका
क्या मस्त लगता है ये सीन, ये आपको देखना चाहिए। और इसी के साथ लायन बॉय हार जाता है और अब हमारे हीरोज चैन की सांस लेने लगते हैं। और यहाँ पे हमें लायन बॉय के ग्रिम रोड के ऊपर भी अच्छा लुक मिलता है, जिसके ऊपर हर जगह पे बीस्ट की मार्किंग होती है और इसका ग्रिम रोड बहुत ही एपिक दिखता है। और फिर सब लोग जाके आस्था को पकड़ते हैं और बोलते हैं, आस्था तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम लोग ने फाइनली इसको हरा दिया। और ऐसे ही सब लोग बहुत खुश होते हैं, यहाँ तक कि बाहर के लोग भी टीवी पे देख के सबको बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं कि इस बच्चे ने हमारे किंगडम को बचा दिया है, हम लोग तो बहुत खुश है। उसके बाद ये लोग जाते हैं सब घायल लोगों के पास और उन्हें देखते रहते हैं कि वो लोग ठीक हो सकते हैं और कैसे उनको ठीक करें। तभी आस्था जाता है नोवेल के पास और नोवेल के सर पे वापस से हेड पैट करता है, बोलता है नोवेल तुमने बहुत अच्छा काम किया है और मैं भी बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। लेकिन तभी नोवेल आस्था को एक फटका मार देती है शर्मा के और आस्था गिर के दूर गिरता है। और ऐसे ही सब के सब हमारे हीरो सेलिब्रेट करते हैं, खुश रहते हैं, मजे में रहते हैं। तभी हमें ये लोग लायन बॉय का बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे लायन बॉय के हाथ में एक चिड़िया होती है जो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। तो लायन बॉय बोलता है कि चिड़िया को ह्यूमंस ने क्यों डिस्ट्रॉय किया, क्यों उसे हर्ट किया। तभी वहाँ पे लिक्ट आता है और वो बोलता है कि वेट तुम टेंशन मत लो यार, ये चिड़िया को ह्यूमंस ने डिस्ट्रॉय किया है लेकिन इसे हम ठीक कर सकते हैं, चलो इसकी मरम्मत करते हैं। वो बोलता है कि ह्यूमंस हमको इतना हेट क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास मैजिक नहीं है शायद इसीलिए। ये सब देख के लायन बॉय के अंदर वापस से आग निकलती है और लायन बॉय वापस से खड़ा हो जाता है। और इस वक्त लायन बॉय पूरा अपना फोकस खो चुका होता है, वो बोलता है कि अब तो मैं खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दूंगा और उसके साथ ही साथ तुम सबको भी यहाँ से लेके जाऊंगा। ऐसा बोल के लायन बॉय अपना अल्टीमेट मूव मारने वाला होता है और वो हवा में उड़ने लगता है। ये देख के यामी का दिमाग फटने लगता है, वो बोलता है कि बस अब बहुत हो रहा है, मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो मेरी पूरी की पूरी टीम डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऐसा बोल के यामी एकदम अपना सारा का सारा एनर्जी अनलीश करता है और वो पहुंच जाता है इस जगह पे। यहाँ पे पहुंचने के बाद वो बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा करके वो सब लोग की तारीफ करता है और सबके सर पे अपना हाथ रखता है और सबको हेडपैट देता है। और सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि फाइनली यामी सानी ने हमको प्रेज किया है। यामी बोलता है कि मेरे टीममेट्स तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब तुम लोग रेस्ट करो, अब इसे मैं संभालूंगा। फिर यामी बोलता है कि तुम लोग को देख के मैंने खुद के लिमिट्स को भी सरपास किया और इसी वजह से मुझे एक नया मैजिकल स्पेल मिल गया जिसके थ्रू मैंने डायमेंशन कट किया और मैं उस डायमेंशन से इस डायमेंशन में आ गया। और ये हेडपैट वाला सीन तो बहुत ज्यादा क्यूट रहता है क्योंकि इसमें सब लोग बहुत मस्त लगते हैं और यामी सबकी तारीफ करता है। उसके बाद यामी चाहता है और बोलता है अब इस लायन बॉय को मैं संभालने वाला हूं क्योंकि मेरे पास एक नया स्पेल है। और तभी हमें मालूम पड़ता है कि ये जो अटैक लायन बॉय करने वाला है ये सेम वही अटैक होता है जो लिफ्ट करने वाला होता है, जहां पे लिफ्ट का सील खुल गया होता है और ये लोगों ने जाकर उसके सील को बाइंड किया होता है। लेकिन ये वाला अटैक लिफ्ट के अटैक से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो यामी बोलता है कि इसे मुझे खत्म करना ही पड़ेगा। तभी यामी बोलता है अब मैं मेरा न्यू मूव यूज करने वाला हूं जिसका नाम है डार्क मैजिक डार्क क्लोक्ड डायमेंशन स्लैश। और जब यामी ये अटैक करता है तो वो पूरे एरिया को आधे में काट देता है, यहां तक कि लायन बॉय को भी 2 पार्ट में काट देता है। और ये वाला अटैक बहुत ही ज्यादा एपिक होता है, आप लोग को देखना चाहिए इसे भी। और इसी के साथ अब मुझे लग रहा है कि लायन बॉय परफेक्टली खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सरफेस से बुहा सारे के सारे नाइट्स को लेकर जा रहा होता है हॉस्पिटल में उन लोग की हेल्थ को ठीक करने के लिए। मीनवाइल वो बोलता है कि अरे ये अचानक से वो इतना खतरनाक माना गायब कैसे हो गया, तो ये सिग्निफाई करता है कि लायन बॉय पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर भाग भाग के यामी के पास जाते हैं और उसे थैंक्स बोलते हैं और बोलते हैं यामी सन आपको देख के हम बहुत खुश है, आपने फाइनली हमारी जान बचा दी। यामी बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बस तुम लोग का क्रेडिट छीन लिया, तुम लोग से असली मेहनत तो तुम लोग ने किया था। फिर उसके बाद बुढ़ो यहाँ पे आता है और बोलता है थैंक यू सो मच, तुमने हमारे विलेज को बचा लिया है, इसीलिए जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारी पूरी की पूरी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो यामी बोलता है कि बस मुझे वही चाहिए जो मैं तुमसे पहले मांगने आया था, वो मैजिकल स्टोन। तो बुढ़ो बोलता है मैजिकल स्टोन ये क्या होता है। फिर यामी बोलता है कि अरे बुढ़ो तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें तो मैजिकल स्टोन के बारे में पता है और अगर हम लोग ये तुम्हारा गेम जीत जाएंगे तो तुम हमें मैजिकल स्टोन दे दोगे। तो बुढ़ो बोलता है कि अरे मैं तो तुम्हारी बस बातें सुन ली थी मैजिकल स्टोन के बारे में, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। लेकिन तभी यहाँ पे नेरो उड़ते हुए आता है और वो स्टोन इन लोग को दे देता है क्योंकि उसके मुंह में वो मैजिकल स्टोन होता है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नेरो हर बार जाके मैजिकल स्टोन को ढूंढ के लेके आता है, तो ये बर्ड के अंदर मैजिक डिटेक्ट करने की पावर बहुत अच्छी है, ये हमेशा पहले ही निकलता है और मैजिकल स्टोन लेके आता है। इसके बाद हमारे सारे के सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर बेहोश होकर गिर जाते हैं क्योंकि उनकी सारी की सारी एनर्जी खत्म हो गई होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मिडनाइट वाले बंदे बोलते हैं कि अरे बाप रे वेट आखिर हार गया, तो अभी हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे ब्लैक बुल्स के लोग रेस्ट कर रहे होते हैं रेस्टिंग रूम में और वो लोग सबको मेडिकल चेकअप हो रहा होता है उनका। फिर यहाँ पे लोग उठ के एक दूसरे बातें करते रहते हैं कि भाई कैसे हमने इन लोग को हरा दिया और फाइनली अब हमारे हेल्थ भी ठीक हो रहा है। तभी ये लोग सुनते हैं कि बाहर सब लोग इनको थैंक यू बोलते रहते हैं। तो ये सीन देख के इन लोग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम ब्लैक बुल वाले लोगों को फाइनली लोग थैंक्स बोल रहे हैं, हम जिनको लोग गाली देते थे कि तुम लोग सबसे बेकार स्क्वाड हो ये है वो है, उन लोग को आज सब लोग थैंक्स बोल रहे हैं, हम तो बहुत खुश है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि नोवेल जाती है कोनोहा और तो और काइटो से मिलने के लिए और वो कोनोहा को बोलती है कोनोहा प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर पाया, मेरे वजह से तुम्हारी आवाज चली गई और तुम्हारा सपना भी टूट गया। तो कोनोहा बोलती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को पता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं वापस से जब ठीक हो जाऊं तो मैं जब बड़ी सिंगर बन जाऊंगी तो तुम मेरा गाना सुनने आना। तो ये सुन के नोवेल बोलते हैं कि डेफिनेटली मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए आऊंगी और ऐसे इसके बाद नोवेल वहां से निकल जाती है। तो काइटो बोलता है अरे बाप बाप रे लड़की कितनी ब्यूटीफुल थी, मुझे तो इससे प्यार हो गया है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था ऐसे ही वो टेंपल के अंदर घूम रहा होता है तो उसको वहां पे यामी दिखता है और यामी यहां पे असल में लायन बॉय को अंतिम संस्कार दे रहा होता है। तो आस्था इसके पास जाता है और बोलता है यामी सन अब क्या कर रहे हो, तो यामी उसको बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस यहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था। असल में यहां पे यामी ने अगरबत्ती की जगह पे एक सिगरेट जला के रखा होता है, तो ये सीन बहुत फनी लगता है मुझे। उसके बाद यामी आस्था को बोलता है कि आस्था तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए
चाहिए और कैसे भी करके अपने ड्रीम को पूरा करना चाहिए। तो आस्था बोलते हैं कि हाँ, मेरी ड्रीम तो है कि मुझे यूनो को हराना है और विजर्ड किंग बनना है, तो मैं डेफिनेटली मेरा ड्रीम फॉलो करूंगा। उसके तुम्हें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे हीरोज आराम से अपने मेडिकल रूम में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और अपनी एनर्जी भर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने के लिए रेडी होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि चामी ने चारों मिडनाइट वाले बंदों को पकड़ के रखा होता है उसके कॉटन मैजिक के साथ और उन सबको छोटा बना दिया होता है। और यहाँ पे एक किलो से लोग रो रहे होते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो। मीनवाइल सारे के सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं टेंपल के और सब इन लोग को थैंक्स बोलते हैं कि तुम लोग के वजह से हमारा टेंपल बच चुका है और हमारा किंगडम अभी जिंदा है, तो थैंक यू सो मच। तो ये देखिए देख के ब्लैक बुल्स के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मीनवाइल यहाँ पे बुढ़ो इनको बोलते हैं तुम्हें जब चाहिए तब तुम यहाँ पे आ सकते हो। फिर इसके बाद जब ये लोग निकलने वाले होते हैं फिनरल के स्पेशल मैजिक के थ्रू, तभी कोनोहा अपने टूटे फूटे आवाज से गाना गाना स्टार्ट करती है, जो देख के यहाँ के सारे लोग गाना गाना शुरू करते हैं और इन लोग को एक प्रॉपर गुड बाय देते हैं। तो यहाँ पे सब ब्लैक बुल्स के लोग इनको अच्छे से बाय बोलते हैं और निकल लेते हैं। अब इसके आगे क्या होने वाला है वो जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में, जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और उसके साथ साथ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साहस भट्ट और बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।